आज हमारा डे वन है, राइट? सो वी आर स्टार्टिंग डे वन. हमें CCNA का जो एग्ज़ाम कोड है, आपको पता होगा 200-301 है, सिस्को का ये एग्ज़ाम कोड है, जिसमें आपको एसोसिएट लेवल, यानी सिस्को की अगर फुल फॉर्म बात करूँ, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, यानी एसोसिएट लेवल की आपको नॉलेज मिलती है, जहाँ पे आपको पास दो डिवाइस होती है, एक होती है आपका राउटर और एक होता है आपका स्विच. ये दो डिवाइस है नेटवर्क में, इसके अलावा भी बहुत सारे डिवाइसेज होते हैं, बट CCNA के अंदर आप इस राउटर इन स्विचेस को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे नेटवर्क में प्रोटोकॉल काम करते हैं, कैसे कंप्यूटर से सिस्टम से डेटा सेंड होता है, बैकग्राउंड में क्या प्रोसेसिंग होती है, ये सारी चीज़ें आप CCNA लेवल पर सीखते हो, राइट? और इससे क्या होता है, आपका नेटवर्क का फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, राइट? तो पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज नेटवर्क. व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क क्या है? सो ग्रुप ऑफ डिवाइसेस आर कॉल्ड नेटवर्क. मतलब अगर मेरे पास एक, दो, तीन, चार, ये चार कंप्यूटर हैं और मुझे इनको आपस में कनेक्ट करना है, तो मुझे क्या करना होगा? देखो, मुझे केबल चाहिए होगा और उस केबल को मैं क्या करूँगा, आपका जितने भी सिस्टम होते हैं उसमें एक होता है लैन पोर्ट. उस लैन पोर्ट को हम लोग एक्चुअल में टेक्निकल टर्म है NIC कार्ड बोलते हैं. उसके अंदर एक्चुअल में कार्ड लगा होता है जिसमें वो लैन पोर्ट होता है. उस पोर्ट के ऊपर आप केबल लगाओगे और दूसरा एंड लगा के आप अपने कंप्यूटर पे लगा दोगे. तो इस तरीके से क्या हुआ, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को जब आपस में कनेक्ट करते हो तो वो नेटवर्क कहलाता है. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया, एक वायर निकाली सिस्टम ए में लगा दिया, दूसरा निकाल के दूसरे सिस्टम में लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ये एक नेटवर्क बन गया. दिस इज अ नेटवर्क, राइट? अच्छा, अगर मैं बात करूं, दो कंप्यूटर को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूं, लेकिन अगर मुझे दो से ज्यादा कंप्यूटर को अगर आपस में कनेक्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, अपने इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल NIC कार्ड्स लगाने होंगे. जैसे अगर मान के चलो आपके पास एक लैन कार्ड है, तो आप एक लैन कार्ड से एक ही सिस्टम से एक वायर कनेक्ट करके दूसरे सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इस कंप्यूटर को भी इसके साथ कनेक्ट करना है तो आपको इस कंप्यूटर के ऊपर एक और NIC कार्ड लगाना पड़ेगा और यहां से फिर इसे कनेक्ट करना पड़ेगा. अगर मान के जो मुझे इस कंप्यूटर को भी कनेक्ट करना है तो फिर मुझे इसके ऊपर भी एक और NIC कार्ड चाहिए होगा, इसमें भी NIC कार्ड चाहिए होगा. तो कभी भी हम अगर मल्टीपल डिवाइसेस को अगर आपस में कनेक्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमें एक डिवाइस लेना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्विच. जैसे हमारे पास हमारे घर में एक पावर प्लग होता है और इस पावर प्लग में हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम एक ही फ़ोन को हम चार्ज कर सकते हैं, सिंगल फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं. लेकिन अगर मुझे मल्टीपल फ़ोन चार्ज करने हैं तो मुझे क्या करना होगा, बाहर से जाके एक एक्सटेंशन लाना पड़ेगा, आपको मार्केट से एक एक्सटेंशन बोर्ड लाना पड़ेगा जहाँ पर बहुत सारे आपके पावर सॉकेट लगे होंगे. तो अब इससे क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल फ़ोन को चार्ज कर सकते हो. इसी तरीके से नेटवर्क में भी जब हम कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमें नेटवर्क में एक डिवाइस चाहिए होता है जिसको बोलते हैं हम स्विच. अभी हम आगे चल के हम डिस्कस करेंगे स्विच कैसे काम करता है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना आपको जानना ज़रूरी है कि स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो कि मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है. अभी स्विच में क्या होगा, इस स्विच में होंगे आपके, व्हाट इज दिस इज अ स्विच, और इस स्विच से मैं क्या करूंगा, मेरे पास बहुत सारे पोर्ट्स होंगे, इस तरह से पोर्ट्स होंगे. ये मान के चलो ये 4 पोर्ट का एक स्विच है, तो पहले केबल को मैंने ऐसे लगा दिया, दूसरे वाले को मैंने इसमें लगा दिया, तीसरे वाले को मैंने इसमें लगा दिया, चौथे वाले को मैंने इसमें लगा दिया. इस तरीके से क्या हुआ, मैंने चार कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया और इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, जहां पे मेरे पास सर्वर भी हो सकते हैं, कंप्यूटर भी हो सकते हैं, स्विचेस भी हो सकते हैं, राउटर भी हो सकते हैं, फायरवॉल भी हो सकते हैं. अगर इनको मिला के मैं एक डिवाइसेस कनेक्ट कर रहा हूँ
तो इसका मतलब मैं क्या बना रहा हूं, एक नेटवर्क बना रहा हूं. सो ग्रुप ऑफ डिवाइसेस क्या बोला, नेटवर्क. उसके बाद अगला टर्म है नेटवर्किंग. देखो आपको इंटरव्यू में कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज नेटवर्क, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड नेटवर्किंग, ऐसा कोई पूछेगा नहीं. लेकिन आपको डिफरेंस पता होने चाहिए. कोई पागल इंटरव्यूअर मिल जाए तो आपको ऐसे सवाल भी पूछ सकता है. हालांकि ये इस तरह के सवाल, नेटवर्क और नेटवर्किंग में क्या अंतर है, ये इस तरह के सवाल आपको 8 से 10 साल पहले सुनने को मिलते थे. आज की डेट में कोई इस तरह के सवाल नहीं पूछता. लेकिन फिर भी हमें फर्क, हमें पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड नेटवर्किंग. नेटवर्किंग का मतलब है कि देखो ये दो कंप्यूटर हैं मान के चलो, इनको अगर मैं आपस में कनेक्ट कर लूँ तो मैं बीच में स्विच भी ले सकता हूँ, स्विच से कनेक्ट कर दिया लो, तो यहाँ पे क्या बन गया, मेरा एक नेटवर्क बन गया, दिस इज अ नेटवर्क. बट अगर इस कंप्यूटर के पास कोई डेटा पड़ा हुआ है और वो डेटा सामने वाले कंप्यूटर को शेयर कर रहा है, मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है, इसका मतलब इस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, नेटवर्किंग. नेटवर्किंग मीन्स व्हेन द डिवाइस शेयर द इंफॉर्मेशन बिटवीन देम, द कॉल्ड टर्म इज नेटवर्किंग. तो उस टर्म को, उस प्रोसेस को हम लोग नेटवर्किंग बोलते हैं. और डिवाइसेस कनेक्टेड है तो नेटवर्क कहलाएगा, ठीक है. नेटवर्क भी कह सकते हो, समटाइम वी कॉल्ड एज अ लैन, समटाइम वी कॉल्ड एज अ लैन, डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है. तो नेटवर्क एंड नेटवर्किंग के बारे में हमें पता लग गया कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, ठीक है. आप लोग जब भी क्लास में बैठें तो अपने साथ एक कॉपी और एक पेन जरूर रखें. रीज़न ये कि जब हम मैं डिस्कस करूँगा और कोई डाउट होगा तो उसको पेन कॉपी पे नोट कर लेंगे और बाद में उसको आप पूछ सकते हैं. दूसरा, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जैसे हम लोग कमांड्स वगैरह मैं लिखवाऊंगा तो उसको भी आप कॉपी पेन पे नोट कर सकते हो. कॉपी पेन लेके बैठोगे तो ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है. तो अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में. और ये जो टाइप ऑफ नेटवर्क्स है ये हमारा एरिया वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, एरिया वाइज, ठीक है. नेटवर्क का जो टाइप है हम यहाँ पे कैसे डिस्कस करेंगे, एरिया वाइज. चलिए, पहला जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क है विच इज लैन, इसको हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क. दूसरा हमारा है लैन के बाद आता हमारा कैन, इसे बोलते हैं हम कैंपस एरिया नेटवर्क. तीसरा है हमारा मैन, इट्स अ मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. फोर्थ है मेरा वैन, तो वैन इज अ वाइड एरिया नेटवर्क. इसके अलावा भी कुछ और नेटवर्क टाइप होते हैं जैसे पैन, इट्स अ पर्सनल एरिया नेटवर्क. एंड एक और होता है हमारा टर्म इज अ सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क. डिफरेंस समझते हैं इसके बीच में, ठीक है. सबसे पहले हम बात करेंगे लैन की, लोकल एरिया नेटवर्क की. देखो लोकल एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जो कि एक छोटे से एरिया के अंदर होता है, इट्स अ कॉल्ड अ नेटवर्क, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड लैन. एग्जाम्पल जैसे स्कूल नेटवर्क हो गया, स्कूल हो गया, बिल्डिंग हो गया, घर का नेटवर्क हो गया, होम नेटवर्क, होम नेटवर्क. अभी एग्जाम्पल देंगे समझ में आ जाएगा. मतलब एक छोटे से एरिया के अंदर जो नेटवर्क होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैन बोलते हैं. जैसे आपका स्कूल का नेटवर्क है वो आपका एक लैन कहलाएगा, बिल्डिंग के अंदर का नेटवर्क लैन कहलाएगा. एग्जाम्पल समझते हैं, मेरा यहाँ पे क्या है, ये मेरा स्कूल है, सपोज दिस इज माई स्कूल,
और इस स्कूल के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे कैबिन्स बने होते हैं, क्लासेस बने होते हैं, प्रिंसिपल रूम होता है, मान के चलो ये सारे क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैबिन्स हैं, मान के चलो ऑफिस का नेटवर्क हो गया, या स्कूल मान के चलो, ये ऑफिस मान के चलो, है ना। तो यहाँ पे क्या होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, यहाँ भी क्या होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, यहाँ भी क्या होंगे, बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कैबिन्स हैं ये, कुछ लैपटॉप्स भी हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, एक स्विच होगा जिससे सारे डिवाइसेस क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। तो इस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, लैन, क्योंकि एक स्कूल का नेटवर्क है या एक ऑफिस का नेटवर्क है। मान के चलो आपके पास एक, आपका एक ऑफिस है, ये आपका एक ऑफिस है, इस ऑफिस के अंदर भी ऐसे कैबिन बने होंगे, उसके अंदर आपके वो सारे सिस्टम क्या होंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे। तो उस टाइप ऑफ एरिया, क्योंकि ये छोटा सा है जो कि एक स्कूल के अंदर सीमित है, एक बिल्डिंग के अंदर सीमित है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैन बोलेंगे। हम ये भी बोल सकते हैं कि मेरे पास एक बिल्डिंग है, दिस इज अ माय बिल्डिंग, और यहाँ पे फ्लोर्स बने हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, ये फोर्थ फ्लोर है ना। यहाँ पे क्या होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, इधर भी कंप्यूटर्स होंगे, इधर भी कुछ कंप्यूटर्स होंगे, इधर भी कुछ कंप्यूटर्स लगेंगे, इधर भी। तो इस पूरे नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, लैन बोलेंगे, क्योंकि एक एरिया के अंदर है। तो एक स्कूल के अंदर का नेटवर्क, एक ऑफिस के अंदर का नेटवर्क, एक घर के ऑफिस का नेटवर्क लैन बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं एक चीज एग्जांपल, कंप्यूटर कनेक्टेड इन ऑफिस, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं मतलब पिक्चर्स के साथ, ये देखो, अब देख रहे हो ये क्या, एक नेटवर्क है, ये एक लैन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैन बोलेंगे एक्चुअल में, क्योंकि क्या है ये आपका एक ऑफिस के अंदर नेटवर्क लगे हुए, ऐसे लगे होते कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क में आपके पास ऐसे ऑफिसेज होंगे, यहाँ पे बंदे ट्रेनिंग ले रहे होंगे, या फिर सेल्स वाले बंदे से कॉलिंग कर रहे होंगे, वट एवर। और ये कंप्यूटर कैसे कनेक्टेड है, नेटवर्क में कनेक्टेड है, स्विच के थ्रू कनेक्टेड होंगे, और कैसे हैं, एक बिल्डिंग के अंदर है, एक ऑफिस के अंदर है, एक छोटे से कमरे के अंदर है। तो इस टाइप के नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं लैन। समझ में सबको आ रहा है ना, हाँ जी सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, ग्रेट। जहां पे बोलिए बोलिए, नहीं नहीं हाँ हाँ हाजिर, हाँ हाँ वाईफाई की स्पीड कैसे चेक करेंगे, तो आपने क्या, आपसे पूछा गया था किसी, तो वाईफाई की स्पीड कैसे चेक करेंगे, अपने सिस्टम से। हाँ, सीएमडी से भी चेक कर सकते हो, आपके पास मतलब वाईफाई राउटर को की, या फिर जो आप वाईफाई से कनेक्टेड हो, मान के चलो ये आपका लैपटॉप है, एक्चुअली में दो तरीके यहाँ पे कंसर्न बनेगा, ये लैपटॉप है राइट, अब इस लैपटॉप से ये वाईफाई है, ठीक है, दिस इज अ वाईफाई डिवाइसेस, और ये वाईफाई से कनेक्टेड है। अब मुझे ये बताओ, आप अपने कंप्यूटर से वाईफाई की मतलब कि इसके बीच की दूरी की स्पीड की बात कर रहे हो, या आप वाईफाई से कनेक्टेड हो और आपको इंटरनेट की स्पीड के बारे में चेक करना है, ये बताइए। तो स्पीड टेस्ट करके अभी आप देख सकते हो, देखो जो आपका वाईफाई राउटर है ना, वो भी डिपेंड करता है कि आपकी, मान के चलो कि आपने इस वाईफाई राउटर पे आपने 300 का प्लान लिया हुआ है राइट, बट आपका जो वाईफाई राउटर है वो 300 Mbps लैन पे दे रहा है, मतलब अगर इससे कोई डिवाइसेस कनेक्टेड है लैन के थ्रू, वायर के थ्रू, यू आर गेटिंग 300 Mbps, बट अगर यही चीज़ आप वाईफाई से कनेक्टेड, तो आपके पास हो सकता है कि आपको ये 300 की जगह आपको 50 Mbps के स्पीड मिल रहा हो। वाई पता है आपका जो वाईफाई राउटर है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये उस कैपेबल है कि नहीं है। तो अगर आपको वाईफाई से स्पीड, जैसे मैं भी बताऊँ मैं किस पे कनेक्टेड हूँ, अपने वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, तो मुझे अगर स्पीड चेक करना है इंटरनेट की, तो आई विल से स्पीड टेस्ट, दैट्स इट। स्पीड टेस्ट करके आपके पास आता है, आपके पास गूगल का भी आता है, जैसे मैं रन स्पीड टेस्ट करूंगा तो ये देखो दिस माई स्पीड। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक होता है बैंडविड्थ, अभी मैं सारी चीज़ें आगे चल के डिस्कस करूंगा आपसे, एक होता है बैंडविड्थ, सुना होगा आपने बैंडविड्थ, सबने सुना होगा, और एक होता है थ्रूपुट। तो ये दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस जायज़ है, इसमें हंसने वाली बात नहीं है,
सही क्वेश्चन पूछा था आपने। अगर किसी को चेक करना होता तो कैसे चेक करोगे? ऑब्वियसली यार, अगर मैं किसी को हायर कर रहा हूँ, मुझे पता है कि अगर नेटवर्क में इशू आ गया, स्लो हो गया, तो बंदा कैसे चेक करेगा? तो ये एक बेसिक सा सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ये वेबसाइट भी है स्पीड टेस्ट ओकाला करके, है ना, ये भी बहुत फेमस वेबसाइट है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। आपको बताऊँ कि जो क्वेश्चन आपने पूछा मेरे से, और मेरा पहला जो जॉब था वो यही था। एक्चुअल में क्या होता था कि मैं एयरपोर्ट में जॉब करता था, तो वहाँ पे एक लाउज था एमिरेट्स फ्लाइट का ही, बहुत अच्छा बड़ा वीआईपी लाउज था वहाँ पे, सब वीवीआईपी वीआईपी वगैरह आते थे। तो वो क्या करते थे, अपने वाईफाई से अपने अपने जो हैंड जो मोबाइल ऑपरेट डिवाइसेज होते हैं, जैसे बैक लैपटॉप हो गया, टैबलेट्स हो गए, या फिर मोबाइल फ़ोन हो गए, वो वाईफाई से कनेक्टेड होते थे। और हमारे हमने ने फ्री वाईफाई ऑफर दिया हुआ था। तो अब हमारा के मेरा काम क्या था कि हमें वहाँ पे हर एक घंटे में मुझे क्या करना होता था, ये स्पीड चेक करनी होती थी कि प्रॉपर स्पीड मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो दिस इज़ अ सोल्यूशन, आपको अगर स्पीड टेस्ट करना है तो आपको स्पीड टेस्ट करके ये चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी एक दो एक टूल और है, वो भी मैं बताऊंगा आगे चल के अभी, ठीक है। तो लैन का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको, एवरीवन हैज क्लियर द लैन, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है कैन, इट्स अ कैंपस एरिया नेटवर्क। तो ये क्या होता है, इट इज अ लार्जर, मतलब ये जो मैं डेफिनेशंस लिखवा रहा हूँ ये बुक्स की डेफिनेशंस है, ठीक है। सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद जब भी मैं इन सभी डिफरेंसेस के बारे में बता दूंगा, लैन कैन मैन, तब फिर मैं आपको एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो एक्चुअल में आपको याद रखनी है। सो इट इज़ अ लार्जर देन लैन एंड स्मॉलर देन मैन। यानी जो आपका कैन है वो लैन से तो बड़ा है बट मैन से छोटा है, अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो कैन का मतलब होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, मतलब एक कैंपस के अंदर जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी होगी ना उसको हम कैन बोलेंगे। अब बोलोगे एग्जांपल, तो समझो इस चीज को, मान के चलो कोई यूनिवर्सिटी है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कैंपस एरिया का, यूनिवर्सिटी का कैंपस है ये, बहुत बड़े एरिया के अंदर क्या है, एक कैंपस बना हुआ है बहुत बड़े एरिया के अंदर, और इन एरियाज के अंदर क्या है, ये बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डिंग नंबर 1 है, ये बिल्डिंग नंबर 2 है, ये बिल्डिंग नंबर 3 है, ठीक है। ये बिल्डिंग्स है, फ्लोर, ये बिल्डिंग बने हुए हैं, बिल्डिंग, मैं यहाँ पे बिल्डिंग 1 लिख देता हूँ, B1, ये बिल्डिंग नंबर 01, ये बिल्डिंग नंबर 02, ये बिल्डिंग नंबर 03, ठीक है। ये तीन बिल्डिंग्स हैं, अभी तीनों बिल्डिंग्स में क्या लगे होंगे, यहाँ फ्लोर्स बने होंगे, यहाँ भी फ्लोर्स बने होंगे इन बिल्डिंग्स में, यहाँ भी फ्लोर्स बने होंगे, ये एक एरिया के अंदर है बट ये डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स है कैंपस के अंदर। मान के चलो ये इग्नू का कैंपस है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, आपको पता होगा। तो ये बिल्डिंग क्या है, इन बिल्डिंग को मैंने आपस में कनेक्ट कर दी इस तरीके से, मतलब कैसे कनेक्टिविटी करना है वो अभी मेजर नहीं है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो कि अगर मेरे पास एक एरिया के अंदर कैंपस एरिया है कि बहुत बड़ा एक सेक्टर में एक कैंपस बना हुआ है, वहाँ पे तीन चार बिल्डिंग्स हैं, और उन बिल्डिंग्स की कनेक्टिविटी की जो हमने करते हैं उस टाइप ऑफ नेटवर्क को क्या बोलेंगे हम लोग, कैंपस एरिया। तो आप देख सकते हो ये लैन से बड़ा है। अब यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि ये आपका लैन 1 है, ये आपका लैन 2 है, ये आपका लैन 3 है, लेकिन इनका जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया इनका। मान के चलो कि ये और ये आपका 1 किलोमीटर के आसपास है, ये 1 किलोमीटर के आसपास है, इसके बीच में ये 500 मीटर की दूरी पे बिल्डिंग, ये दोनों बिल्डिंग की दूरी, और इन दोनों के बीच में क्या है, ये 1.5 किलोमीटर की दूरी है। तो छोटा सा डिस्टेंस है ना, लैन से बड़ा हो गया, लैन क्या एक बिल्डिंग के अंदर ही होगा, एक एक एक, 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 एक स्कूल के अंदर होगा वो लैन होगा, लेकिन कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होगा, एक कैंपस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स होंगे वो हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क होगा। अब गूगल करो अगर आप, तो कुछ आपको इमेजेस दिखाऊंगा, यू विल मोर क्लियर। सो कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है, एंटर करो, यूनिवर्सिटी भी लिखा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा दिखा देता हूँ, सिविल मोर क्लियर, लव सी, यहाँ पे सिंपल सा ये एग्जांपल है, देख रहे हो ये कॉरपोरेट का कैंपस है एक, और ये बिल्डिंग्स क्या है, आपस में कनेक्टेड है, कनेक्टेड है ये, इसको हम लोग कैंपस एरिया नेटवर्क बोलेंगे। और भी मिलेगा आपको इस तरीके से, लाइक ये देखो जैसे कैंपस एरिया नेटवर्क, देख रहे हो एक एरिया के अंदर बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, इनको मैंने आपस में कनेक्ट किया हुआ है, जैसे कैंपस एरिया नेटवर्क, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, जैसे कैंपस एरिया नेटवर्क। तो ये एक लैन हो गया, 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 मल्टीपल लैंस हैं, और एक एरिया, एक छोटे से एरिया के अंदर आपके आपस में कनेक्टेड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है आपका मैन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, मैन,
मेट्रोपॉलिटन एग्जाम्पल का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब है विद इन अ सिटी, विद इन अ सिटी की जो कनेक्टिविटी होगी, मतलब विद इन अ सिटी कनेक्टिविटी अ कॉल्ड मैन। समझो इस चीज को, मेरा एक दिल्ली एक सिटी है, राइट, और इस दिल्ली के अंदर मेरे पास तीन ऑफिसेज हैं, दो ऑफिसेज मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, दो मान लो, तीन मान लो, चार मान लो, ये चार ऑफिसेज हैं दिल्ली के अंदर। ये मेरा सीपी में है, ये मेरा करोल बाग में है, ये मेरा मान के चलो जनकपुरी में है ना, ये मेरा कीर्ति नगर में है। तो ये क्या है, दिल्ली के अंदर अलग अलग, ये मेरी दिल्ली की एक सिटी है, इस सिटी के अंदर अलग अलग मेरे पास क्या है, मेरे ऑफिसेज हैं, इनको अगर आपस में कनेक्ट करूंगा तो ये टाइप ऑफ नेटवर्क क्या कहलाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक सिटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट, अब एग्जाम्पल, इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, आजकल में, आजकल जो आपके लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, जो कि तिकोना टाइप हो गया, या आप कह लो कि जो आजकल एक्साइटल के आ रहे हैं, डैन के जो नेटवर्क जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपके दिल्ली के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और दिल्ली में क्या कर रहे हैं, अलग अलग लोकेशंस में वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो टाइप ऑफ नेटवर्क क्या कहलाएगा, मैन, ये भी बोल सकते हो, वो भी आपका मैन के अंदर में आ जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क विद इन अ सिटी। एक सिटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपके पास लोकेशंस है, उनको अगर आपस में कनेक्ट करते हो, वो कनेक्टिविटी कैसे होगी, हम आगे बात करेंगे चीज़ के बारे में, लेकिन अभी हम टाइप ऑफ नेटवर्क की बात करें एरिया वाइज, कि अगर इस तरह से नेटवर्क बना तो हम उसको मैन बोलेंगे। कोई आपसे नहीं पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन और कैन, बट अगर किसी ने पूछ लिया तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कैन इट्स अ कैंपस एरिया नेटवर्क, ये कैंपस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स है, देयर कनेक्टेड विद ईच अदर कॉल्ड अ कैंपस। इसकी जो डिस्टेंस होती है वो 1 से 2 किलोमीटर के अंदर अंदर होती है, इट्स अ कैन। ठीक है, मैन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 10-15 किलोमीटर हो गया, 20 किलोमीटर हो गया, 30 किलोमीटर हो गया, इनकी अगर आपस में कनेक्टिविटी है तो ये आपका मैन होगा उस सिटी के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपका एक दिल्ली और पंजाब को जोड़ रहे हो तो लैंड मैन बन जाएगा, नो। आप दिल्ली के अंदर हो, आप पंजाब के अंदर हो, पंजाब के अंदर आपके 5 ऑफिसेज हैं, वो आपस में कनेक्टेड है, वो टाइप ऑफ नेटवर्क हम बुलाएंगे मैन। ठीक है, चलिए इसके बाद आता हमारा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है आपका इंटरनेट, और दो या दो से ज्यादा सिटीज, दो या दो से ज्यादा आप कंट्रीज अगर आपस में कनेक्टेड हैं, उस टाइप ऑफ के नेटवर्क को क्या बोलेंगे, वैन। मतलब जहां पे आप टू डिफरेंट सिटीज को करते हो, सिटीज हो गए, या आप दो कंट्रीज को बात कर लो, टू डिफरेंट, टू और मोर डिफरेंट सिटीज एंड कंट्रीज और नेटवर्क आर कॉल्ड इज वाइड एरिया नेटवर्क। सिंपल सा एग्जाम्पल इंटरनेट, आपका दो ऑफिसेज हैं, एक यूएस में है और एक कनाडा में है और एक इंडिया में है, उनको अगर आपस में कनेक्ट किया है तो उस टाइप ऑफ नेटवर्क को हम लोग बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। सिंपल सा, बहुत आसान है। लैन एक बिल्डिंग के अंदर, कैन एक कैंपस के अंदर, मैन एक सिटी के अंदर, वैन डिफरेंट सिटीज डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। समझ में बहुत ईजी है, तो वैन सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, वैन इज अ बिगेस्ट नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क अभी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक टाइप का नेटवर्क आता है आपका, विच इज पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये आपका विद इन अ 10 मीटर, विद इन 10 मीटर, विद इन 10 मीटर के अंदर अंदर का जो नेटवर्क होता है, जैसे वाईफाई का नेटवर्क हो गया, ब्लूटूथ का नेटवर्क हो गया। मान के चलो कि आपके पास एक ब्लूटूथ डिवाइस है, उससे आपके पास क्या, मान के दो फोन है आपके पास, और आपके पास एक फाइल आप शेयर कर रहे हो ब्लूटूथ, ब्लूटूथ की जगह जरिए ब्लूटूथ को यूज करते हुए आप लोग क्या कर रहे हो, डेटा शेयर कर रहे हो, तो वो टाइप ऑफ नेटवर्क क्या कहलाएगा, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर आप यहाँ पे, अच्छा मैन का भी आपको दिखाना था ना, चलो मैन का भी दिखा देता हूँ पहले, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का भी एक बार देख लो। ये देखो, ये डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, डिफरेंट मतलब एक सिटी के अंदर है, विद इन अ सिटी के अंदर के नेटवर्क को हम लोग क्या कहेंगे, ये देखो, ये मैन हो गया, हॉस्पिटल का लैन हो गया, कॉलेज का लैन हो गया, फैक्ट्री का लैन हो गया, स्कूल, ये चार अलग अलग लोकेशंस है सिटी के अंदर, आपस में कनेक्ट किया मैन कहला दिया।
अच्छा अगर मैं वाइड एरिया नेटवर्क की बात करूं, सो वाइड एरिया नेटवर्क का सिंपल सा फंडा है, दो कंट्रीज हैं ये देख लो, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को अगर हम बात करें, ये देखो ये रहा सिंपल सा एग्जांपल, ये क्या है, कंट्रीज हैं, सिटीज हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो आपस में कनेक्टेड है वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा, ये देखो सिंपल सा एग्जाम्पल, ये वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है। अच्छा इसके बाद था पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, सो पर्सनल एरिया नेटवर्क अब ये सिंपल सा देखो, ये रहा आपने क्या किया हुआ है, अपने वाईफाई से ब्लूटूथ से इन चीज़ों को कनेक्ट किया हुआ है ना, ब्लूटूथ आपका फ़ोन होता है, आपका लैपटॉप होता है, आपका वायरलेस माउस होता है, वो क्या होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, आपके पास वायरलेस माउस है, कीबोर्ड है, आपने लैपटॉप से कनेक्ट किया, वो टाइप ऑफ नेटवर्क क्या कहलाएगा, पैन कहलाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये एरिया के डिस्टेंस के बेसिस पे इनका डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है। अच्छा अगला जो नेटवर्क का टाइप है विच इज सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क कैसा होता है, देखो आपके पास एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर नहीं लेके हम लोग और कंप्यूटर ले लेते हैं, ठीक है, वी आर टेकिंग फोर कंप्यूटर्स, ये मेरे चार कंप्यूटर्स हैं और इनको मैंने क्या किया नेटवर्क में कनेक्ट किया हुआ, बीच में मैंने क्या लगा दिया स्विच लगा दिया, ऑब्वियसली इनको अगर आपस में कनेक्ट करना है आई हैव टू टेक अ स्विच, स्विच कैसा दिखता है कुछ इस तरीके से दिखाता हूं, सिस्को स्विच, स्विच आपका कुछ इस तरीके से दिखता है, ये इसमें ये बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, देख रहे हैं ये बहुत सारे पोर्ट्स बने हुए हैं, ये बहुत सारे पोर्ट्स बने, इनके ऊपर निकाल के आप कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हो, इधर से कंप्यूटर कनेक्ट किया इस वाले पोर्ट पे लगा दिया, तो ये कितने पोर्ट का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ऊपर है 12 नीचे है, तो 24 पोर्ट का ये स्विच है, इस तरह के स्विचेस आते हैं, डी लिंक का स्विच है, ठीक है, ये मैनेजेबल स्विच है, तो दो टाइप के आते हैं, एक मैनेजेबल स्विच आता है, एक अनमैनेजेबल, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम बात करें स्विच कैसा दिखता है, मैंने दिखा दिया आपको, ये इस तरह से दिखता है, पोर्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये आपके यहाँ पे लाइन लगे हुए हैं, नंबर्स लगे हुए हैं, अगर आप देखोगे ये यहाँ पे ये लाइट्स होंगी, अगर आप पहले वाले पोर्ट पे तो पहले वाले पोर्ट पे लाइट चल जाएगी, दूसरे पोर्ट पे लगाओ तो दूसरे पोर्ट पे लाइट चल जाएगी, इसका मतलब डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है। अगर सिस्टम को आप शट डाउन कर दोगे, ऑफ कर दोगे, पावर ऑफ कर दोगे, तो यहाँ पे लाइट ऑफ हो जाएगा, तो मतलब वो डिवाइस जो है डाउन है, वापस ऑन होगा तो वापस लाइट चल जाएगा, तो ये इंडिकेटर लाइट है, ठीक है। तो स्विच एक डिवाइस है जिससे हम लोग मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो इस तरह से डिवाइसेस कनेक्टेड। अब मान के चलो एक राम करके एक बंदा है, वो आ जाया, वो ये मेरा सिस्टम, ये मेरा पीसी वन है, ये मेरा पीसी टू है, ये मेरा पीसी थ्री है, दिस माय पीसी फोर। तो राम क्या किया, पीसी वन पे आके बैठ गया और जो भी था अपना डेटा वेटा सेव किया और सेव करके चला गया, उसने आज का काम किया, उसकी 9 to 6 की टाइमिंग थी, आया घर पे चला गया काम करके, अगले दिन आया ऑलरेडी इसके ऊपर कोई बंदा बैठा हुआ था, तब राम को तो जगह नहीं मिल पाई, तो राम क्या किया आज इस वाले सिस्टम पे लॉगिन कर गया, आज राम यहाँ पे लॉगिन किया। अब लॉगिन करते ये प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम ये आएगा कि राम का जो डेटा था वो सिस्टम वन में था, अब उसको डेटा चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा क्या किया लोकली सेव किया है पीसी के अंदर, तो ये क्या करेगा सिस्टम इंजीनियर को या फिर नेटवर्क इंजीनियर को बुलाएगा और बोलेगा भाई मेरा डेटा ना पीसी वन में पड़ा, वो मुझे चाहिए। फिर आपने जैसे भी चाहे आप उसको पेन ड्राइव में कॉपी किया या फिर जैसे भी आपने उसको पीसी टू पे दे दिया, आज उसने सारा काम पीसी टू में बैठ के किया और घर चला गया शिफ्ट खत्म करके। अगले दिन आया और अगले दिन जब आता है तो पीसी टू पे ऑलरेडी फिर से कोई दूसरा बंदा बैठा होता है, अब वो कहता है कि यार फिर पंगा, फिर राम क्या करता है इस वाले सिस्टम पे बैठ जाता वापस से आके, लेकिन यहाँ पे जो डेटा इसका पुराना पड़ा हुआ है सारा डेटा तो यहाँ पे आ गया लेटेस्ट वाला, फिर वही करेगा सिस्टम एडमिन को बुलाएगा नेटवर्क इंजीनियर को बुलाएगा भाई मेरा डेटा वापस चाहिए। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो इंजीनियर है वो तो इसी में बिजी रहेगा कॉपी पेस्ट। अभी ये चार सिस्टम है, ये 400 होते तो फिर क्या करते आप, पूरे दिन वो डेटा कॉपी पेस्ट करने में लगा रहता। तो इस तरीके से ये जो डेटा जो स्टोर हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, सेंट्रली नहीं होके लोकली हो रहा है, लोकली सिस्टम के ऊपर स्टोर हो रहा है, तो एक प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आप नेटवर्क में क्या लगा दें, एक स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ये एक डिवाइस है, एक डेडिकेटेड डिवाइस होता है, ये कैसा होता है, एक सर्वर की तरह होता है, इसमें बहुत सारी हार्ड डिस्क लगी होती है, मल्टीपल हार्ड डिस्क, इसमें बहुत सारी
हार्ड डिस्क लगी होती है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये हार्ड डिस्क है, और ये क्या है मेरा सैंड बॉक्स है, इसको सैंड बॉक्स भी बोलते हैं। और ये सारे क्या है, हार्ड डिस्क वन, हार्ड डिस्क टू, ये थ्री हार्ड डिस्क, ये फोर हार्ड डिस्क, ये टोटल हार्ड डिस्क लगी हुई है। अब इस पे होता है लैन केबल पोर्ट होता है, NIC कार्ड होता है। अब उसको क्या करोगे आप, उसको लगा दोगे यहाँ पे सिस्टम के अंदर, स्विच के अंदर। उसके बाद इसको मैनेज कौन करता है, आपका सर्वर इंजीनियर, इट्स नॉट योर टास्क, सर्वर इंजीनियर करेगा उसका काम सारा, कॉन्फिगरेशन का पार्ट। बट अभी यहाँ पे होगा क्या, अब डेटा जो है वो इस कंप्यूटर में ना सेव होके वो यहाँ पे आ जाएगा, सेंट्रली स्टोर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि उसका जो डेटा है वो सेंट्रली उस सिस्टम पे नहीं होगा, वो कहीं से भी बैठ के डेटा को एक्सेस कर लेगा, क्योंकि डेटा आप कहाँ पड़ा हुआ है, सर्वर पे पड़ा हुआ है, ना कि उसके लोकल कंप्यूटर पे। तो एक तो डेटा सेंट्रलाइज हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, एक और प्रॉब्लम भी हो सकती है कि अगर जो बंदा राम था यहाँ पे आया और उसने अपना डेटा सेव कर दिया यहाँ पे, और इसमें क्या हुआ कि इसका ये विंडो क्रैश हो गया, तो डेटा तो गया तो आपको बैकअप भी नहीं मिला, तो आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक रिडंडेंसी पाथ भी मिल रहा है, बैकअप भी मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, डेटा को यहाँ ना सेव करके आप सैन में कर सकते हो। तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या करता है, आपका एक सेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसमें कि आपका डेटा लोकली सिस्टम पे सेव ना होके सेंट्रली स्टोर होता है। समझ में आ रहा है गाइस एवरीवन? हेलो, सबको क्लियर आ रही है ना समझ में? ठीक है, ठीक है। तो सैन कैसा दिखता है मैं वो थोड़ा दिखा देता हूँ, बाकी लोग म्यूट कर लेंगे, थोड़ा अनम्यूट हो गया था आप लोगों का। सो स्टोरेज एरिया नेटवर्क, देखो स्टोरेज एरिया नेटवर्क का काम ना आपका नहीं है, यू आर नॉट द रिस्पॉन्सिबल टू कॉन्फिगर द स्टोरेज डिवाइस। उसके लिए या तो आपकी स्टोरेज टीम होती है, बहुत सी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर स्टोरेज की जो एक टीम डेडिकेशन होती है, जो कि पूरा पूरे सेंट्रलाइज जो स्टोरेज को मैनेज करती है। कुछ कंपनी छोटी होती है, मिड साइज कंपनी, तो वहाँ पे स्टोरेज का मैनेज करने वाले सर्वर इंजीनियर्स होते हैं, जो सर्वर को मैनेज कर रहे होते हैं। बट एज अ नेटवर्क इंजीनियर आपका क्या काम रहेगा, उस सर्वर को जो सेंड डिवाइस होगा उसको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना, ये आपका काम रहेगा। और यू विल नॉट कॉन्फिगर द आईपी एड्रेस, जस्ट यू से टू सर्वर, आप क्या बोलोगे सर्वर इंजीनियर को, बोलोगे कि भैया ये आईपी एड्रेस है ये कॉन्फिगर कर लेना, दैट्स इट। यू विल गिव द आईपी एड्रेस कि भैया ये आईपी एड्रेस है ये अपने सेंड डिवाइस में कॉन्फिगर कर दो। अब सेंड डिवाइस नेटवर्क में कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है नेटवर्क में, कुछ इशू आ रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। बट सर्वर को मैनेज करना, सर्वर को कॉन्फिगर करना, उस सर्वर में कुछ इश्यू आ जाए तो वो आपका काम नहीं है। बस स्टोरेज एरिया नेटवर्क मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब आप नेटवर्क में काम करते हो तो एक कंपनी के अंदर आईटी के जो बंदे होते हैं वो इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं, सैन मैन इस तरह, सैन सॉरी स्टोरेज एरिया नेटवर्क करके कुछ चीज़ें होता है। तो एज अ नेटवर्क इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि सैन एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, आपके डेटा को सेंट्रली मैनेज करना होता है, दैट्स इट। आपको इतना ही जानना जरूरी है, ठीक है? तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊं तो इमेजेस जाके देखो, ये देखो इस तरह का ना ये डिवाइस है, यहाँ पे ये हार्ड डिस्क लगी हुई है, ठीक है? और भी अगर मैं थोड़ा दिखाऊं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क सेंड स्टोरेज डिवाइस बना लेता हूँ मैं, ठीक है? अरे सेंड डिवाइस लिखते हैं ना, सेंड डिवाइस। ये देखो यू कैन सी, ये मेरा हार्ड डिस्क, ये देखो मेरा सर्वर है इस तरीके से, यू कैन सी। और यहाँ पे देखो ये हार्ड डिस्क लगी हुई है, ये हार्ड डिस्क लगी हुई है एक दूसरे से, ये एक हार्ड डिस्क ये लगी है, दूसरी ये लगी है, तीसरी ये, चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 हार्ड डिस्क लगे हुए। इसका रेट भी देखो कितना, 15,000 रुपये का। ये अब ये नया नहीं है, ये ओल्ड है, क्योंकि नया इतना सस्ता नहीं आएगा। नया अगर लेने जाओगे तो करीब करीब काफ़ी मतलब काफ़ी कॉस्टली आता है, लाखों में पहुँचता है प्राइस। तो ये आपका डिवाइस है सैन, और ये हार्ड डिस्क भी अगर ख़राब हो जाएगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी डेटा लॉस नहीं होगा। तो बैकअप, ये जैसे मान लो जो हार्ड डिस्क में डेटा पड़ा होगा उसका बैकअप इधर भी पड़ा होगा। मतलब आपका डेटा जो है मल्टीपल डिवाइसेस पे स्टोर होता है। अगर अब ये इसमें कॉन्सेप्ट और होता है, हॉट स्वैपेबल का भी कॉन्सेप्ट होता है। हॉट स्वैपेबल का मतलब होता है कि चलती रनिंग कंडीशन में भी उस हार्ड डिस्क को निकाल सकते हो, खराब हो गई निकाल के लगा दो, दूसरी लगा दो, दूसरी लग जाएगी, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये आपका नहीं है काम, सारा काम ये सर्वर इंजीनियर लोग करते हैं, स्टोरेज या तो स्टोरेज और डिवाइस मैनेज करते हैं वो। बट सैन का काम क्या है वो मैंने आपको दिखाया, राइट? तो यहाँ पे कोई डाउट किसी को एरिया वाइज नेटवर्क का, ये एरिया वाइज किसी को डाउट है टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में? जी बोलिए जी। वो
वो डेटा अपने आप आपका वैसे कि मान के चलो, देखो पहली बात तो ये हमारा काम नहीं है, लेकिन आप अगर आप समझना चाहते हो तो मैं आपको बता दूँ ये होता कैसे है। जो सेंड डिवाइस है, सर्वर इंजीनियर क्या करेगा, उसके ऊपर सेंड कॉन्फिगर करेगा, ठीक है। कॉन्फिगर करने कुछ फोल्डर्स बनाएगा उसके अंदर, और उस फोल्डर को क्या कर देगा, शेयर कर देगा किसके साथ, जो टीम्स होंगे उनके साथ। मान के चलो ये सेन है, सेन के अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो उसका एक यूआई होगा ना, ये सुनो, लास्ट में तो उसका एक्सेस करोगे, यूआई लोगे ना, उसका यूजर इंटरफेस लोगे, और यूजर इंटरफेस लेके क्या करोगे, उन हार्ड डिस्क को मैनेज करोगे। मैनेज करने के लिए क्या करोगे आप, डिपार्टमेंट वाइज वहाँ पे क्या बनाओगे, फोल्डर्स बनाओगे, ये सुनो, अपने एचआर का फोल्डर बना दिया, अपने मार्केटिंग का फोल्डर बना दिया, अपने सेल्स का फोल्डर बना दिया, लेकिन बैकग्राउंड में तो वो हार्ड डिस्क लगी है, लेकिन आपको सामने क्या मिलेगा, यूआई मिलेगा, यूजर इंटरफेस, जहाँ पे आप उसको क्या करोगे, सेन को पूरा कॉन्फिगर करोगे, वहाँ पे क्या रखोगे आप, अपने वहाँ पे फोल्डर्स क्रिएट कर दिया, एचआर वाला डेटा अपने एचआर वाला फोल्डर अपने एचआर के साथ शेयर कर दिया, मार्केटिंग का मार्केटिंग को दे दिया, सेल्स को सेल्स को दे दिया, तो अपने कंप्यूटर से बैठ के उस शेयर फोल्डर को एक्सेस करेंगे और डेटा शेयर करेंगे, तो उससे क्या होगा कि एचआर वाले फोल्डर के अंदर उसको डेटा सेव हो जाएगा, ना कि यहाँ होगा, समझ में आ रहा है ना, ऐसे होता है। बट आपको इसमें अभी कॉन्फ़िगरेशन का कोई टेंशन लेना जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको करना नहीं है, ठीक है, ये आपका काम नहीं है, ये सर्वर इंजीनियर करते हैं, तो स्टोरेज जो मैनेज करते हैं उनको वो लोग करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और कोई डाउट किसी को, क्लियर हो रहा है सबको, चलिए ठीक है। ये हुआ हमारा टाइप ऑफ नेटवर्क एरिया वाइज। अगेन आपको सिर्फ उसके डिफरेंसेस के बारे में बस आपको पता होना चाहिए, नो वन आस्क यू इन इंटरव्यू, बट मैं ये नहीं बोल सकता कि 100% पूछेगा ही नहीं, बट कोई सरफिरा मिल जाए तो पूछ भी सकता है, ठीक है, तो ऐसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो आज से पहले पूछा जाता था ये, 10 साल पहले, 8 साल पहले, बट आज की डेट में ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती, आजकल सीनियर वेज क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, आपको कितना नॉलेज है बैकग्राउंड में, मतलब बैकएंड में, पैकेट्स वाइज उसकी चीज़ें पूछी जाती हैं, मतलब एक पैकेट्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जा रही है उनको खोल के वो पूछता है चीज़ों को, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चलिए अच्छा, अगर मैं बात करूँ, ये तो बात हो रहा है एरिया वाइज हमारा नेटवर्क का टाइप, अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूँ तो प्रोडक्शन में या रियल नेटवर्क में अगर बात करूं तो वहां पे कोई कैन नहीं होता, वहां पे कोई मैन नहीं होता, वहां पे कोई पैन नहीं बोलते, वहां पे दो ही टाइप नेटवर्क होता है हमारा, एक होता है लैन और एक होता है वैन। यही दो नेटवर्क के टाइप्स आपको हमेशा सुनने को मिलेंगे प्रोडक्शन के अंदर, लैन वैन, लैन वैन, दैट्स इट। ये जो कैन मैन था ये किताबी बुक्स के अंदर आती हैं, या जब आप इंटरव्यू के अंदर जब, या तो फिर जब आप एग्जाम देने जाओगे उसमें क्वेश्चन आएंगे, विद इन अ सिटी कनेक्टिविटी आर व्हाट इज दिस, तो चार ऑप्शन होंगे, लैन मैन वैन कैन, क्या है टिक मारना है। तो एग्जाम परस्पेक्टिव से आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं, बट व्हेन यू वर्किंग इन अ रियल प्रोडक्शन नो वन आस्क यू व्हाट इज अ कैन, व्हाट इज अ मैन, व्हाट इज अ पैन। अब हम बात कर रहे हैं दो ही टाइप की नेटवर्क होती है प्रोडक्शन के अंदर, लैन और एक वैन। अब लैन और वैन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप कम्युनिकेशन किस तरीके से कर रहे हो, उस तरीके से वो डिफरेंट टाइप ऑफ तरीके को हम लोग क्या बोलेंगे, या तो लैन या समवन वैन। देखो समझो इस चीज को, मेरे पास एक कंप्यूटर टेबल है, ये मान के चलो मेरी सीट है, इस कंप्यूटर टेबल में दो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और ये आपस में कनेक्टेड है नेटवर्क में। मान के चलो यहां पे राम बैठा हुआ है, साथ वाली सीट में श्याम बैठा हुआ है। अब राम के पास एक डेटा है, अब वो राम डेटा, इस डेटा को श्याम को कैसे दे रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है वो लैन है या वैन है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो अगर मान के चलो कि राम ने क्या किया, इस डेटा को शेयर कर दिया, और श्याम ने क्या किया, अपने रन पे गया, ये रन मैंने खोला, जैसे मान के चलो कि ये जो राम के आईपी एड्रेस है, एक आईपी एड्रेस क्या होता है भी आगे चल के देखेंगे, जैसे आपके फोन में एक टेलीफोन एड्रेस होता है ना, आपका फोन होता है उसमें एक मोबाइल नंबर होता है, राइट। अगर आपका लैंडलाइन होगा तो 011 करके फिर कुछ मोबाइल नंबर होगा, तो वो क्या आपका टेलीफोन एड्रेस है, उस एड्रेस पे कोई कॉल करेगा तो आपको आपके घर में रिंग बजेगी, आपके फोन में रिंग बजेगी और आपसे बात होगी। इसी तरीके से नेटवर्क में भी क्या होता है, एड्रेसेस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेसेस। तो जब डेटा हम शेयर करते हैं एक दूसरे को तो आईपी के बेसिस पे ही शेयर करते हैं, आगे चल के हम आईपी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कुछ इस तरीके से दिखता है 192। और आई नो आज की डेट में एक नॉन टेक्निकल बंदा भी ना आईपी के बारे में जानता होगा, आई होप कि आप लोगों को सभी लोगों का थोड़ा बहुत तो आईपी के, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आईपी के बारे में डिटेल में, बट आईपी एड्रेस क्या होता है इतना पता है ना, होता है कुछ आईपी एड्रेस करके सबको पता है ना,
श्याम को भी, श्याम करो सॉरी, सत्यम को, गौरव को तो बताइए, गौरव को तो नहीं करो, सत्यम को आपको क्लियर है और तपन आपको भी ठीक है। तो इसका आईपी एड्रेस है 10.1, इसका आईपी एड्रेस है 192.168.10.2। तो अब ये डेटा को मुझे एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, श्याम क्या कर रहा है, रन पे जा रहा है और एक बैक्स डबल बैक स्लैश लगा रहा है और यहाँ पे 192.168 और 10.1 जो आईपी एड्रेस है पीस राम के सिस्टम को वो लिखता है और एंटर मार देता है। एंटर मार देता है तो उसके पास क्या आता है, वो फाइल खुल जाती है और वो फाइल एक्सेस कर लेता है। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ नेटवर्क, ये जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हुआ वो लैन हुआ। क्यों? आपने जो डेटा को शेयर किया, उस डेटा को शेयर करने के टाइम पे आपने किसी भी तरीके का मतलब इंटरनेट आपने यूज नहीं किया, आपने जो डेटा शेयर किया वो विदाउट इंटरनेट किया। दैट मीन द टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड लैन। व्हेन इंटरनेट इज इन्वॉल्व टू शेयर द इंफॉर्मेशन, दैट टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड वैन। अब बोलोगे नेटवर्क का टाइप, ये नेटवर्क का टाइप है अकॉर्डिंग टू शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। अब सेम बात कर रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल लेके, राम के पास एक डेटा पड़ा हुआ है, श्याम के वो शेयर करना है। राम ने क्या किया, जीमेल के थ्रू उसने उसको शेयर किया। अब आपको पता कि जीमेल तो बिना इंटरनेट के चलेगा नहीं, है ना? तो राम ने उस डेटा को शेयर किया मेल के थ्रू, बट मेल के थ्रू जो शेयर किया उसमें इंटरनेट क्या हुआ, इन्वॉल्व हो गया। तो उस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, वैन बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि जब आप डेटा को शेयर करते हो और उसमें इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाता है तो वो टाइप ऑफ नेटवर्क वैन कहलाता है, वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। और जब आप डेटा को शेयर करते हो उसमें किसी भी तरह का इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसको हम लोग लैन बोलेंगे। ये दो नेटवर्क ही आपको मिलेंगे प्रोडक्शन के अंदर। आई होप समझ में सबको आ गया होगा, क्लियर हो रहा है सबको? हाँ जी ठीक है। अगर मैंने राम ने क्या किया, श्याम को एक फेसबुक के थ्रू एक एक इमेज भेजी, ये टाइप ऑफ नेटवर्क कैसा होगा, वैन और लैन। राम ने श्याम को क्या होगा, वैन होगा। वैन क्यों होगा, क्योंकि फेसबुक बिना इंटरनेट के चल सकता है, दैट इज वाई इज अ कम्युनिकेशन टाइप इज वैन। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि जहां पे इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं है वहां पे हमारा क्या होगा, लैन होगा। जहां पे इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाएगा वहां पे वैन हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज अगर हमें समझ में आती है तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो इन सभी चीजों को आगे हम प्रैक्टिकली भी प्रूफ करेंगे, डोंट वरी। अभी हम क्या समझ रहे हैं, नेटवर्क को समझ रहे हैं सिर्फ। ठीक है, और एक चीज बता दूं कि थ्योरेटिकल के ऊपर ज्यादा फोकस रखना। ठीक है, प्रैक्टिकल तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा लेकिन जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर करना बहुत जरूरी है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या करता है, आपका इंटरव्यू क्लियर करने में हेल्प करता है। कभी भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे आपको ये नहीं बोलेगा ये लो कंप्यूटर मुझे ये करके दिखाओ, कोई नहीं बोलता, है ना? आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और लॉजिकल क्वेश्चंस आपको तभी क्लियर होंगे जब आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और जो चीज़ हम थ्योरेटिकल में डिस्कस करेंगे वो हम लोग प्रैक्टिकल में प्रूफ करेंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी और स्ट्रांग हो जाओगे। तो इनिशियली हम लोग आने वाले 2 से 3 4 8 एक हफ्ते की क्लास या मतलब कुछ 6 7 क्लास हमारी टोटली जाएगी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नेटवर्क को सीखेंगे, नेटवर्क कैसे काम करता है, नेटवर्क में क्या टर्म्स होती हैं। उसके बाद हम लोग साथ साथ, और मैं प्रैक्टिकल भी करा के दिखाऊंगा इन चीजों का, डोंट वरी। ठीक है, तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे यहाँ पे एक होता है हमारा यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। एक होता है हमारा मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। और एक होता हमारा ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट। देखो वो बाद में, वो अलग चीज है, इट्स अ वो मैं अलग मेथड, वो डेटा जो सेंड और रिसीव करने का मेथड है वो बाद में डिस्कस करेंगे, वो भी उसके उसको मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। पहले हम इसके बारे में बात करें, यूनिकास्ट क्या होती है, मल्टीकास्ट क्या होती है, ब्रॉडकास्ट क्या होती है, ये अलग टर्म है, वो अलग टर्म है। ठीक है,
हाफ डुप्लेक्स का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट यहां पे कम्युनिकेशन का मोड समझा रहा हूं मैं, राइट। चलिए देखिए एक बात बताइए, हम लोग अभी कितने लोग हैं टोटल, अभी आपस में जो बात कर, 4 पीपल्स हैं। अगर मैं नाम लूं गौरव का और मैं गौरव को लूं, और गौरव कैसा है वो आपको चीज समझ में नहीं आ रही, आ रही है कि नहीं आ रही है, अच्छा ये क्या होता है, मैं गौरव को नाम लेके मैं पूछ रहा हूं, तो ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होगा, वन यूनिकास्ट होगा। यूनिकास्ट का मतलब होता है वन टू वन कम्युनिकेशन, वन टू वन कम्युनिकेशन मतलब नेटवर्क में जब कोई कंप्यूटर डेटा शेयर करता है ना, सेंड करता है एक्चुअल में, तो वहां पे ना एक एड्रेस होता है, ये एड्रेस का टाइप भी कह सकते हो, राइट। देखो अगर आपको अपने दोस्त को चिट्ठी लिखनी है और आपको भेजना है तो क्या करोगे, आपके पास उस चिट्ठी के अंदर क्या करोगे, उसको एक लेटर के अंदर, ध्यान से समझना, ये आपके पास एक लेटर है, उस लेटर के अंदर कुछ आपने लिख दिया, उस लेटर के ऊपर आप क्या करोगे, कवर लगा दोगे, उस कवर के ऊपर आप एक लगाओगे टू एड्रेस और एक लगाओगे फ्रॉम एड्रेस। टू एड्रेस देख के क्या होगा, वो कंप्यूटर, वो जो आपका लेटर है वो पोस्ट किया जाएगा, राइट। फ्रॉम का मतलब वो डेटा कहाँ से आ रहा है, राइट। तो नेटवर्क में जब आप डिवाइसेस सेंड करते हो, सॉरी जब डेटा सेंड करते हो, तो उसमें ये काइंड ऑफ एड्रेस होता है, यूनिकास्ट एड्रेस होता है, मल्टीकास्ट एड्रेस होता है और ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। आप ये बोल सकते हो ये काइंड ऑफ एड्रेस भी है, यूनिकास्ट एड्रेस, मल्टीकास्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। यानी यूनिकास्ट का मतलब है वन टू वन कम्युनिकेशन, मतलब डेटा आप ग्रुप में 4-5 लोग हैं लेकिन डेटा आप किसको शेयर कर रहे हो, सिर्फ एक बंदे से कम्युनिकेशन कर रहे हो, यू आर टॉकिंग टू सम वन, यू आर टॉकिंग टू सम वन विद इन अ ग्रुप, दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड यूनिकास्ट। नाउ आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप, सॉरी व्हाट्सएप है, उस व्हाट्सएप के अंदर आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, 100 कॉन्टैक्ट नंबर हैं, जिसमें आपके फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, ऐसे होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने किसी एक फ्रेंड को चैट किया, मैं एक फ्रेंड अमित से बात कर रहा हूँ, तो मैं कम्युनिकेशन कैसे कर रहा हूँ, वन टू वन, मतलब मेरे पास उसमें बहुत सारे लोग हैं बट मैं सिर्फ एक से बात कर रहा हूँ, तो ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैसा हुआ, यूनिकास्ट। मल्टीकास्ट कैसा होता है, उन 100 जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उन 100 कॉन्टैक्ट में से आपने क्या किया, फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाया और उन 100 कॉन्टैक्ट नंबर में जो जो आपके फ्रेंड्स थे आपने उनको क्या किया, उन ग्रुप में ऐड किया, और आप क्या कर रहे हो, उस ग्रुप में मैसेज कर रहे हो, मतलब यू हैव 100 पीपल यू आर इन व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर बट यू आर सेंडिंग सम ऑफ पीपल, सम ऑफ पीपल इट्स कॉल्ड मल्टीकास्ट। आपके होल, जैसे कि एग्जाम्पल लेते इस चीज को, अगर मेरे पास ये 4 कंप्यूटर कनेक्टेड है, हम 4 कंप्यूटर ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, PC1, PC2, PC3, PC4, आई हैव अ स्विच और मैंने इनको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये सिस्टम वन नंबर है, ये सिस्टम नंबर 2 है, ये सिस्टम नंबर 3 है, ये सिस्टम नंबर 4 है। इस सिस्टम वन ने क्या किया, इस सिस्टम से बात कर रहा है, नेटवर्क में 4 लोग हैं लेकिन वो सिस्टम वन सिस्टम 3 से बात कर रहा है, ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैसा हुआ, यूनिकास्ट। अब मेरे पास 4 कंप्यूटर्स हैं लेकिन इस सिस्टम ने डेटा सेंड किया सिस्टम 3 को और सिस्टम 2 को, मेरे पास नंबर ऑफ पीपल्स है बट आई एम सेंडिंग अ मैसेज टू समवन, सॉरी मतलब कुछ सम ऑफ पीपल, तो दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज मल्टीकास्ट। मतलब आपने ग्रुप को सेंड किया है तो ग्रुप ऑफ डिवाइसेस कॉल्ड आ, मींस ग्रुप ऑफ डिवाइस को जब आप डेटा सेंड करते हो उसको कैसे क्या कहते हैं हम लोग, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन करते हैं, जब डेटा एक से ज्यादा लोगों को भेजते हो तो वो मल्टीकास्ट कहलाता है। तो आप ये बोल सकते हो मल्टीकास्ट का मतलब है वन टू मैनी, यू आर नॉट सेंडिंग टू ऑल, यू आर सेंडिंग मैनी, दैट्स व्हाई कॉल्ड इज मल्टीकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है वन टू ऑल, हम 4 लोग हैं, मैं बात कर रहा हूं अमित से भी और मैं बात कर रहा हूं गौरव से भी, तो ये मल्टीकास्ट हुआ। लेकिन मैं अब सभी लोगों से बात कर रहा हूं, मैं अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं अभी,
मैं ये किसी का नाम लेके नहीं बात कर रहा हूँ, मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को सुनाई दे रहा है ये मैसेज सभी के लिए है। अगर मैं ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ आपके सामने शिष्य ने कहा आज का लेक्चर, तो ये लेक्चर मैं गौरव को भी बता रहा हूँ, ये लेक्चर मैं सत्यम को भी बता रहा हूँ, ये लेक्चर मैंने तपन को भी बताया। दैट्स मीन आई एम ब्रॉडकास्टिंग, आई एम सेंडिंग अ मैसेज टू ऑल ऑफ यू, दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज ब्रॉडकास्ट। तो दो तीन टाइप के कम्युनिकेशन होती हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। आइदर यू कैन से ये तीन टाइप के एड्रेस होते हैं नेटवर्क में, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। अगर आपका यूनिकास्ट पैकेट है तो उसी बंदे को वो पैकेट जाएगा जिसके ऊपर उसका एड्रेस होगा। मल्टीकास्ट अगर एड्रेस होगा तो उन सिस्टम को जाएगा जो उस मल्टीकास्ट ग्रुप के मेंबर होंगे। ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा तो वो सभी को मिलेगा। समझना, जब एक कंप्यूटर डेटा को सेंड करता है उसमें एक डेस्टिनेशन एड्रेस डालता है। अगर डेस्टिनेशन एड्रेस यूनिकास्ट है तो वो डेटा उसी को मिलेगा जिसके अंदर उसका एड्रेस होगा। अगर डेस्टिनेशन एड्रेस मल्टीकास्ट है तो वो डेटा उनको मिलेगा जो जो उस मल्टीकास्ट ग्रुप के मेंबर होंगे। और डेटा का जो जो सेंड कर रहा है उसके अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस अगर ब्रॉडकास्ट है तो वो डेटा नेटवर्क में सभी को मिलेगा। तो दिस इज द काइंड ऑफ एड्रेस आप बोल सकते हो। समझ में आ रहा है सबको, एवरीवन? कोई डाउट है यहाँ पे यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट? क्लियर है? अच्छा ठीक है, ओके। अब बात करें टाइम टॉप टर्म की, डुप्लेक्स क्या होता है। डुप्लेक्स का मतलब होता है सेंड एंड रिसीव द डेटा। डुप्लेक्स मीन सेंड और रिसीव डेटा। डुप्लेक्स का मतलब डेटा सेंड एंड रिसीव करना, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं डुप्लेक्स, राइट? अब ये डुप्लेक्स के कई सारे टाइप्स हैं। एक होता है आपका हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, और एक होता है आपका फुल डुप्लेक्स। डुप्लेक्स का मतलब सेंड एंड डेटा, सेंड एंड रिसीव द डेटा, सेंड और रिसीव द डेटा। अब ये सेंड और डेटा को जब आप रिसीव करते हो इसमें तीन दो टाइप हो गए, एक तो हाफ डुप्लेक्स में डेटा को सेंड रिसीव करोगे और दूसरा जो है तो फुल डुप्लेक्स में रिसीव करोगे। जब कंप्यूटर से डेटा जाता है तो उसमें डुप्लेक्स का टाइप होना आपको जरूरी होता है। कैसे समझते इस चीज को? देखो, हाफ डुप्लेक्स का मतलब है कि डेटा विल सेंड, डेटा कैन सेंड और रिसीव, बट आपका या तो डेटा सेंड हो सकता है, वन वे कम्युनिकेशन आप ये बोल सकते हो, वन वे। यानी अगर आपके पास ये दो कंप्यूटर्स हैं और ये हाफ डुप्लेक्स को सपोर्ट करते हैं तो जब ये डेटा भेजेगा तो इसको वेट करना पड़ेगा, एट द सेम टाइम वो डेटा नहीं सेंड कर सकता। यानी बोथ डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा बट एक बार में एक ही बंदा कर सकता है। बोथ डिवाइस कैन सेंड द डेटा, सेंड और रिसीव द डेटा, बट एट अ टाइम एक ही करेगा, ठीक है। इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। मान के चलो कि सत्यम और मैं डेटा भेज रहे हैं, सत्यम भी हाफ डुप्लेक्स पे सपोर्ट करता है और मैं भी हाफ डुप्लेक्स पे। देखो जो डिवाइस का जो अभी हम लोग थोड़ी देर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो डिवाइसेज होती हैं आज की डेट में जितनी भी डिवाइसेज होंगी वो सारी फुल डुप्लेक्स पे काम करती हैं। हाफ डुप्लेक्स वाला कॉन्सेप्ट पहले के टाइम पे था, जैसे हमारा हाफ हब हो गया, ठीक है। ये जो पुराने अनमैनेजेबल स्विचेज होते हैं ये सारे हाफ डुप्लेक्स पे कभी काम करते हैं, पुराने टाइम के स्विचेज। अभी आपको आज के डेट में हाफ डुप्लेक्स का कोई चीज़ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो हाफ डुप्लेक्स का मतलब है कि एक बार में एक ही बंदा डेटा या तो सेंड कर सकता है तो रिसीव कर सकता है, ठीक है, समझते इस चीज को। सत्यम और मैं एक डिवाइसेस है और दोनों क्या करते हैं, हाफ डुप्लेक्स को सपोर्ट करते हैं। तो जब सत्यम डेटा मुझे भेजेगा ना तो मैं उस टाइम मैं सत्यम को डेटा नहीं भेज सकता। अगर मैं जिस टाइम डेटा भेज रहा हूँ उस टाइम मैं किसी और का डेटा रिसीव नहीं कर सकता, मैं पहले भेजूंगा बाद में रिसीव करूंगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, हाफ डुप्लेक्स को सपोर्ट करता हूँ। तो मैं एट द सेम टाइम दोनों बंदे डेटा सेंड और रिसीव नहीं कर सकते, दे कैन नॉट सेंड द
they cannot send data, send or receive at the same time. Both device cannot send the data at the same time, send or receive the same time. But अगर मेरा full duplex है तो both device can send or data at the same time. उसमें दो parallel path होते हैं, एक path से मैं data को send कर दूंगा, दूसरे receive कर दूंगा. लेकिन अगर मेरा half duplex हुआ और दोनों बंदों ने क्या किया, अगर data send कर दिया एक ही same time पे, तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा, कोलिजन अकर हो जाएगा नेटवर्क में. अभी मैं करके दिखाऊंगा, डोंट वरी. एट द सेम टाइम अगर दोनों ने डेटा भेज दिया और मेरा वो हाफ डुप्लेक्स हुआ, तो उस केस में क्या होगा, आपका कोलिजन अकर हो जाएगा. कोलिजन का मतलब टकराव, डेटा आपस में टकरा जाएंगे और ना मेरा डेटा सत्यम को मिलेगा ना सत्यम का मेरा मुझे मिलेगा. तो ये हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स को समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपको करके दिखा रहा हूं, यू विल मोर क्लियर. यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, उसको हम लोग आगे करेंगे. लेकिन ये जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जो सेंड और डेटा, जो ये डुप्लेक्स का जो मोड है, दो मोड होंगे, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स. हाफ डुप्लेक्स का मतलब बोथ डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा बट ओनली वन कैन एट द सेम एट द टाइम. फुल डुप्लेक्स का मतलब बोथ द डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा एट द सेम टाइम. ठीक है, तो मैं ये चीज प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ आपको. ठीक है, तो जो हाफ डुप्लेक्स होता है वो आपका डिवाइस एक्चुअली सपोर्टेड होता है. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दो कंप्यूटर को कनेक्ट करूँगा, एक हब के साथ और दो कंप्यूटर को कनेक्ट करूँगा एक स्विच के साथ. जो मेरा स्विच होता है ना वो फुल डुप्लेक्स पे काम करता है और जो हब होता है वो हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है. तो देखना क्या होगा. ठीक है, आपको ये प्रैक्टिकल नहीं करना, सिर्फ समझा रहा हूँ. ठीक है, आगे चल के इसको देखेंगे कैसे करते हैं. तो मैं जस्ट समझाने के लिए मैंने क्या किया, दो कंप्यूटर ले लिए. ठीक है, पीसी वन एंड पीसी टू. कहाँ गया पीसी टू, कहाँ गया, गया, एक सेकेंड. हाँ चलो इधर आए, इधर आ जाओ. ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना सबको स्क्रीन पे. चलिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ना यहाँ पे एक ये हब ले लिया. ये हब है, देखो लिखा हुआ है हब. ठीक है, इसमें छह पोर्ट बने हुए हैं. मैंने इनको कनेक्ट कर दिया ऐसे और इसको ऐसे. ठीक है, ये हब है. ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं दो कंप्यूटर और ले रहा हूं और यहां पे मैं एक स्विच ले रहा हूं. आई एम टेकिंग अ स्विच. वो हब है, हब भी आपका मल्टीपल पोर्ट वाला होता था, लेकिन हब जो है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी, आज के डेट में आपको हब मिलेगा नहीं. ठीक है, तो मैंने इसको स्विच से कनेक्ट कर लिया. ये स्विच है. ठीक है, दिस इज स्विच, दिस इज हब. आगे चल के डिफरेंसेस बताऊंगा, डोंट वरी, कि हब में और स्विच में क्या डिफरेंस है ना. लेकिन अभी जो हमारा मेन मकसद है, हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स. ठीक है, तो ऊपर वाला जो नेटवर्क है वो हाफ डुप्लेक्स है. ठीक है, ऊपर वाला जो नेटवर्क है ये हाफ डुप्लेक्स नेटवर्क है, ये वाला. ठीक है, ये हाफ डुप्लेक्स है क्योंकि मैंने क्या लगा रखा, हब लगा रखा. एक सेकेंड, थोड़ा सा नीचे करते हैं. और ये मेरा है फुल डुप्लेक्स, दिस अ फुल डुप्लेक्स. क्योंकि स्विच क्या है, फुल डुप्लेक्स पे काम करता है, दैट्स व्हाई इट्स अ फुल डुप्लेक्स नेटवर्क. कंप्यूटर पे आईपी एड्रेस दे देते हैं 10.0.0.1. ठीक है, और इसका आईपी हम दे देते हैं 10.0.0.2. ठीक है, और इसी तरीके सेम मैं आईपी एड्रेस यहां भी दे सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये अलग अलग नेटवर्क है, 10.0.0.1. ठीक है, और इधर 10.2 दे देते हैं. ठीक है, चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो. मैं यहाँ पे एक अभी आप लोगों को प्रैक्टिकल नहीं करना है कुछ भी. ठीक है, सिर्फ समझो चीज़ों को. अभी आपको सिर्फ मुझे सुनना है. यहाँ पे सिमुलेशन करके एक ऑप्शन है सबसे लास्ट में इधर, तो मैं सिमुलेशन पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको आर को अनचेक किया मैंने. मैं ना इस कंप्यूटर से पीसी वन से पीसी टू को क्या करूँगा, पिंग करूँगा. सबको पता पिंग क्या होता है, एनी वन, किसी को पता पिंग, किसी को ऐसा है जो नहीं पता पिंग क्या होता है, क्या होता है पिंग, कोई बताना चाहेगा. हाँ
ठीक है, ये दोनों का आंसर आया, गौरव का आंसर आया, दूसरा कौन था, सत्यम था। पहले किसने बोला था, सत्यम ने बोला था या फिर तपन ने? तपन आपको मेरी आवाज आ रही है? पिंग मतलब समझ में आता है, पिंग क्या होता पता है आपको? पता है ना पिंग? ठीक है सत्यम, आपको पता है पिंग क्या होता है? ठीक है सबको पता है ना पिंग, मतलब पिंग क्या है, एक टेस्टिंग यूटिलिटी है, नेटवर्क इंजीनियर का बैकबोन है ये। जैसे आप अपने फोन में सिम कार्ड लगाते हो, नया नया सिम लेके आए हो, वो एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप क्या करते हो, और कॉल करके टेस्ट करते हो, या तो कस्टमर केयर में कॉल करते हो या तो फैमिली में किसी को कॉल करते हो, कॉल जाती है, रिंग जाती है, फोन उठता है, बात होती है, तो मतलब क्या है, फोन एक्टिवेट है। इसी तरीके से नेटवर्क में भी हम लोग क्या करते हैं, कनेक्टिविटी चेक करते हैं कि मैं उस सिस्टम से बात कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, PC1 PC2 से बात कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो मैं क्या करूँगा, एक पिंग भेजूंगा, एक टेस्ट रिक्वेस्ट भेजूंगा, मुझे उसका रिप्लाई आएगा तो मतलब बात हो रही है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं PC1 एंड PC2 दोनों से, इससे भी रिक्वेस्ट भेजूंगा और इससे भी रिक्वेस्ट भेजूंगा, दोनों कंप्यूटर क्या करेंगे, एट द सेम टाइम डेटा को भेजेंगे, तो क्या होगा देखते हैं। मैं PC1 पे गया और PC1 से पिंग कर रहा हूँ मैं 10.0.0.2 को, मैं एंटर नहीं मारा अभी मैंने, चलो ये पैकेट जनरेट कर दिया। ठीक है चलिए PC2 पे चलते हैं और PC2 से भी पिंग करते हैं 10.0.0.1 को, और इसने भी पैकेट जनरेट कर दिया। देखो दोनों कंप्यूटर ने सेम टाइम डेटा जनरेट किया। मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को भेजूंगा, भेजने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक पावर बटन है, ये प्ले बटन है, इस पे क्लिक करूंगा, इस वाले पे। ठीक है अभी आपको कुछ भी चीज़ प्रैक्टिकल नहीं करना है, सिर्फ समझना है चीज़ों को। ओवर टाइम हाफ डुप्लेक्स का मतलब अब आपको समझ में आ जाएगा। हाफ डुप्लेक्स का मतलब है बोथ द डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा, बट एट द सेम टाइम सिर्फ एक ही बंदा डेटा को या तो सेंड करेगा या तो रिसीव करेगा। अगर एक बंदा सेंड कर रहा है तो दूसरा बंदा इस द सेम टाइम अगर सेंड करेगा तो दोनों का डेटा जो है कोलाइड हो जाएगा, कोलिजन अगर हो जाएगा नेटवर्क में, और दोनों का डेटा एक दूसरे से क्रैश हो जाएगा। तो अगर देखो यहां पे क्या हुआ, आग लग गई पैकेट के अंदर। क्यों लगी? क्योंकि कंप्यूटर ने, इस वाले कंप्यूटर ने, दोनों ने एक साथ डेटा सेंड कर दिया और नेटवर्क में वो डेटा क्या हो गया, कोलाइड हो गया, कोलिजन अकर हो गया आपके नेटवर्क में, तो डेटा क्या हो गया, क्रैश। तो पिंग करने के बाद मुझे रिप्लाई आना चाहिए था, बट वो रिप्लाई नहीं आएगा। देखो यहां पे कोई रिप्लाई नहीं आया, क्यों नहीं आया, बिकॉज दोनों का पैकेट क्या हो गया, क्रैश हो गया, आग लग गई। अब मैं यही प्रैक्टिकल अगर इधर करके दिखाऊंगा तो देखो हो जाएगा। मैं क्या करूँ, नीचे वाले पे कर रहा हूँ, पिंग कर रहा हूँ फिर से 10.0.0.2 को, एंटर किया, पैकेट जनरेट हुआ, इस पे चलते हैं, फिर से पिंग करते हैं 10.0.0.1, पैकेट जनरेट हो गया। तो देखो दोनों बंदे क्या करेंगे, दूसरे को डेटा सेंड करेंगे, ये किया और डेटा मिल गया। ठीक है ये देखो, फिर डेटा गया, डेटा मिल गया, मिल गया ना, कोई कोलाइड नहीं हुआ। देखो दोनों के पास रिप्लाई आ गया होगा, रिप्लाई आ गया, रिप्लाई आ गया, बट इनको रिप्लाई नहीं मिला होगा। क्यों नहीं मिला रिप्लाई, बिकॉज डेटा क्या हो गया, कोलिजन। क्यों, हाफ डुप्लेक्स पे काम कर रहा है ये नेटवर्क आपका, क्या है, हाफ डुप्लेक्स। सिस्टम तो फुल डुप्लेक्स पे काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम, फुल सिस्टम फुल डुप्लेक्स, लेकिन जो कनेक्टिविटी जिससे किया आपने वो हाफ डुप्लेक्स पे है, तो पूरा का पूरा नेटवर्क कैसा हो गया आपका, हाफ डुप्लेक्स। यानी अगर एट द सेम टाइम दोनों ने डेटा सेंड कर दिया तो उनका डेटा क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, उनको कभी मिलेगा ही नहीं दूसरे का डेटा। समझ में आया ये सुनो, बट यहाँ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि फुल डुप्लेक्स पे है। समझ में आया एवरीवन, कोई है जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आया तो रिपीट कर सकता हूँ। समझ में आया ना कि कॉन्सेप्ट, समझ में आया कि हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या हुआ, फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या हुआ, समझ में आया ये सुनो। ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट था हाफ डुप्लेक्स का, फुल डुप्लेक्स का। ठीक है उसके बाद टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हो गया हमारा, डुप्लेक्स वाला हो गया। नाउ अगला जो टर्म हम बात करेंगे OSI मॉडल के बारे में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नेटवर्क इंजीनियर के लिए। OSI मॉडल बहुत ही यूजफुल चीज है नेटवर्क को समझने के लिए। ठीक है यहीं से आपको नेटवर्क के बारे में जानकारी मिलेगी, नेटवर्क कैसे काम करता है, और आने वाले जो 2-3 क्लासेस होंगी OSI मॉडल, पैकेट फ्लो, IP एड्रेस, इतना करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा नेटवर्क में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है
तो ओएसआई मॉडल के बारे में बात करते हैं। ओएसआई मॉडल क्या है? ठीक है, ओएसआई मॉडल बेसिकली आपका ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसके फुल फॉर्म है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एक मॉडल है। इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा पीछे जाना होगा हमें 1970s के टाइम पे। देखो जब 1970s के टाइम पे जब नेटवर्क अपना इनिशियली आया हुआ था, नया नया नेटवर्क स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे ना दो कंपनी थी हमारी, मतलब बहुत सी कंपनी थी, तो उनमें से दो कंपनी के बारे में बता रहा हूँ मैं। एक था हमारा IBM और एक हमारा डेकनेट। ये दो कंपनी थी पहले, इसके अलावा भी बहुत सी कंपनी थी, मैं दो का नाम ले रहा हूँ। ये कंपनी क्या करती थी, अपने अपने डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करती थी। IBM अपना कंपनी सर्वर, लैपटॉप, कंप्यूटर, और इससे से डेकनेट भी करता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, इस टाइम जो नेटवर्क का जो मॉडल था वो स्टैंडर्ड था। स्टैंडर्ड का मतलब है कि IBM अपना ही प्रोटोकॉल, अपना स्टैंडर्ड यूज कर रहा है, डेकनेट अपना प्रोटोकॉल, अपना स्टैंडर्ड यूज कर रहा है। इसका मतलब उस टाइम पे अगर आप दो कंप्यूटर को अगर आपस में कनेक्ट करते हो, नेटवर्क बना रहे हो, तो या तो वो सारे कंप्यूटर आपके IBM के होने चाहिए या सारे वो कंप्यूटर आपके डेकनेट के होने चाहिए, क्योंकि वो स्पेसिफिक वेंडर का उस टाइम पे नेटवर्क हुआ करता था, वेंडर स्पेसिफिक नेटवर्क बोला जाता था। तो अगर आप एक कंपनी में एक नेटवर्क को डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको सारे के सारे इक्विपमेंट जो लेने होंगे वो तो IBM से ही लेने होंगे, या तो आपको सारे इक्विपमेंट डेकनेट से लेने होंगे, चाहे आप कंप्यूटर ले हो, चाहे स्विच लो, व्हाटएवर, क्योंकि उस टाइम पे वेंडर स्पेसिफिक नंबर था। और प्रॉब्लम भी कुछ नहीं था क्योंकि उस टाइम पे कंप्यूटर इतने महंगे होते थे कि हर किसी को औकात होती नहीं थी। घर में तो कोई बंदा कंप्यूटर यूज़ नहीं होता था, सिर्फ ऑफिस में यूज़ होते थे बिजनेस पर्पज़ के लिए, तो गिने चुने कंप्यूटर्स होते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क बढ़नी शुरू हुई, लोगों ने सिस्टम्स लेने शुरू कर दिए नेटवर्क में लगाना, तो लोगों ने क्या किया, सोचा यार मुझे अगर अपना एक नेटवर्क डिज़ाइन करना है तो या तो मुझे सारे कंप्यूटर IBM के लेने पड़ रहे हैं, बट IBM के कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कुछ होता है, कोई सर्विस ठीक नहीं है यार, मैं या फिर डेकनेट के ले सकता हूँ, डेकनेट में भी कुछ ना कुछ इशू हो सकता है। तो मतलब मैं क्या था, या तो मैं IBM से ले सकता है तो डेकनेट से। लेकिन जैसे 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 आपके नेटवर्क बड़े होने शुरू हो गए तो ये चीज़ एक प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू हो गई कि जो एक बंदा था, जो कस्टमर था ना, वो वेंडर के ऊपर डिपेंड हो जाता था। मतलब कस्टमर को वेंडर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था। अगर मुझे आज की डेट में मुझे एक कंपनी स्टार्टअप ओपन करना है और अपने कंपनी में मुझे कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं, तो या तो मैं डेकनेट को चूज़ कर सकता या तो मैं IBM के। मैं सारे कंप्यूटर आपके नेटवर्क में अगर लगाना चाहूँगा तो सारे डेकनेट के होंगे, क्योंकि अगर मैं डेकनेट का कंप्यूटर लगा दूँ और एक IBM का लगा दूँ तो वो आपस में बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों वेंडर का अपने अपने प्रोटोकॉल, अपने अपने स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं। ये वही बात हो गई कि एक बंदा चाइनीज़ वाला है और एक बंदा इंडियन है। अब इंडियन वाला बंदा तो सिर्फ इंडियन से ही बात कर सकता है, उसको हिंदी आती, चाइनीज़ तो आती नहीं है, और चाइनीज़ वाला बंदा सिर्फ चाइनीज़ से बात कर सकता है क्योंकि उसको हिंदी तो आती नहीं है। इस प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर हिंदी और चाइनीज़ वाले को सामने खड़ा कर दिया तो पागल हो जाएंगे ना, तो हिंदी वाले को चाइनीज़ समझ में आएगी ना चाइनीज़ वाले को हिंदी। तो प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, कम्युनिकेशन क्या है, दिक्कत है, क्योंकि हिंदी वाला जो इंडियन जो बंदा है वो अपना हिंदी कम्युनिकेशन यूज़ कर रहा है, वो अपना स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा है, और चाइनीज़ वाला अपना। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। इसका सोल्यूशन क्या किया गया, एक ग्लोबल लैंग्वेज को लाया गया, इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश आती है यू कैन सर्वाइव, यू कैन टॉक टू एनीवन। हालांकि इंग्लिश हमारे इंडिया में आज भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लोगों को बोलने में दिक्कत है सब कुछ है, लेकिन बी ऑनेस्ट कि अगर इंग्लिश आए तो आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, इंडिया से बाहर कम्युनिकेशन कर सकते हो। आप चेन्नई चले जाओ, आप हिंदी में पकड़ा जाओगे। हालांकि मैं नहीं गया कभी, लेकिन मेरे जो यार दोस्त हैं वो बताते हैं बड़ी दिक्कत होती है इंग्लिश में, या तो उनकी इंग्लिश भी बड़ी स्ट्रांग होती है, तो इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर अगर आपको आती है तो यू कैन कम्युनिकेट विच अदर। तो इसी तरीके से 1980s के आते आते ना ये प्रॉब्लम रियलाइज़ किया गया, 1980s में आते आते ये चीज़ प्रॉब्लम रियलाइज़ किया गया, यार ऐसे तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट वेंडर के कंप्यूटर अपने नेटवर्क में यूज़ ही नहीं कर सकते तो वेंडर स्पेसिफिक। तो क्या किया गया 1980s के दौरान ना, जो वेंडर्स थे IBM, डेकनेट और भी कंपनीज, इन्होंने मिलकर एक मीटिंग रखी 1980s के टाइम पे, और कहा गया यार कुछ ऐसा बनाया जाए, ऐसा कुछ तरीका निकाला जाए कि हमारे आपस में जो डिवाइसेस आपस में बात कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए ओवर द नेटवर्क, जो कस्टमर है उस चीज़ को उनको क्या हो, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उस कंप्यूटर को अगर हमारे कंप्यूटर चले तो हमारे कंप्यूटर लेगा, डेकनेट का चले तो डेकनेट के लेगा, और उनको नेटवर्क में लगा के आपस में बात करवाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये चीज प्रॉब्लम को रियलाइज किया गया और 1980s में डिसीजन लिया गया। और 1984 के आते आते 1984 के आते आते एक मॉडल को लॉन्च किया गया, ओएसआई मॉडल। और इस ओएसआई मॉडल को एक्चुअल में रेफरेंस मॉडल बोलते हैं हम लोग, ठीक है, अभी आएंगे इसके ऊपर अभी। तो ओएसआई मॉडल को लॉन्च किया गया कब? 1984 में। इंटरव्यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन, अगर इंटरव्यू वाला नहीं पूछेगा तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। आपके ओएसआई मॉडल कब इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसके बाद चार ऑप्शंस होंगे, आपको उनमें से एक ईयर बताना होगा। तो 1984 आपको पता होना चाहिए। और ओएसआई मॉडल को जिसने लॉन्च किया, जिसने जो लेकर आया, वो था हमारा आईएसओ, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म देख लेना, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्था है। और ये जो आईएसओ सर्टिफाइड, आपने सुना होगा बहुत सी कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है। मतलब क्या है कि जो आपकी आईएसओ है ना, उसने हर इंडस्ट्री के अंदर अपने एक सर्टन कह लो कि स्टैंडर्ड बनाए रखा है, ठीक है। और अगर आप कहते हो कि मेरी कंपनी एक्स वाई जी है और वो आईएसओ सर्टिफाइड होना चाहती है, तो आपकी जो आईएसओ कहता है कि आपकी कंपनी के अंदर ये पॉलिसी है, टर्म्स होनी चाहिए, और ये पॉलिसी है, ये टर्म अगर आपके मैच होते हैं, हमारे कंडीशन से मैच होते हैं, देन आई विल सर्टिफाइड यू। तो आईएसओ क्या करेगा, उसको सर्टिफाइड देगा और वो बोल जाएगा आईएसओ सर्टिफाइड। तो आईएसओ ने ना डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन में डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड के अंदर उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना रखा है, ठीक है। इसी तरीके से नेटवर्क कर टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, नेटवर्क के अंदर तो क्या बनाया, एक ओएसआई मॉडल को किसने लॉन्च किया, आईएसओ ने। कब किया? 1984 में। तो 1984 में एक मॉडल को लॉन्च किया गया, ओएसआई मॉडल। और इस मॉडल को लॉन्च करने का रीजन था कि दो डिफरेंट वेंडर के कंप्यूटर आपस में बात कर पाए, इसीलिए इस मॉडल को लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? आईएसओ ने। कब किया? 1984 में। क्यों किया? ताकि मल्टीपल वेंडर के जो सिस्टम्स हैं वो आपस में बात कर पाए। तो इफ समवन आस्क यू कि व्हाट इज अ ओएसआई मॉडल, तो यू कैन से लाइक दिस, ओएसआई मॉडल इज अ रेफरेंस मॉडल। व्हाई ओएसआई मॉडल, यू कैन से लाइक दिस, सो टू डिफरेंट वेंडर्स कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क, वी नीड टू फॉलो ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये वेंडर के अंदर कंडीशन की, वेंडर को बोला गया कि आप अगर अपने डिवाइस जब मैन्युफैक्चर करोगे और इस मॉडल को अगर फॉलो करते हो, तो आपका जो डिवाइस है वो नेटवर्क में कम्युनिकेट कर पाएगा। तो ओएसआई मॉडल को लाने का ये रीजन था, ठीक है। अब ओएसआई मॉडल में बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, ओएसआई को एक तरह से रेफरेंस मॉडल बोलते हैं, रेफरेंस मॉडल। रेफरेंस मॉडल का मतलब क्या है, इसमें हम इसको स्टडी पर्पस के लिए पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली ओएसआई मॉडल कहीं पे यूज नहीं होता। चीजें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको हो गया सर क्या बकवास कर रहे हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा। बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब चीजें धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो रेफरेंस मॉडल का मतलब है कि इसको आप स्टडी पर्पस के लिए पढ़ते हो, ये कहीं पे कंपनी कह लो कि कहीं पे इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। ओएसआई मॉडल नॉट अ इंप्लीमेंटेशन मॉडल, इट्स नॉट अ इंप्लीमेंटेशन मॉडल। आपके नेटवर्क में दो मॉडल मिलते हैं, एक है हमारा ओएसआई मॉडल और एक है हमारा टीसीपी आईपी मॉडल। ओएसआई मॉडल को हम लोग पढ़ते हैं स्टडी पर्पस के लिए, और इसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन मॉडल बोलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन जो नेटवर्क में जो प्रैक्टिकली जो मॉडल यूज होता है वो ये मॉडल होता है। तो सर डायरेक्ट टीसीपी आईपी पढ़ाओ ना, क्यों ओएसआई पढ़ा रहे हो? कोई फर्क नहीं है ओएसआई और टीसीपी में, बस डिफरेंट है सिर्फ इनके लेयर्स की काउंटिंग में। ओएसआई मॉडल में आपके 7 लेयर हैं और टीसीपी आईपी के अंदर आपके 4 और 5, 4 आपका ओल्ड था, 5 आपका लेटेस्ट है। तो 5 लेयर्स होती हैं। अभी जब मैं आगे समझाऊंगा डिफरेंसेस सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी टीसीपी आईपी को थोड़ा दूर रखते हैं, तो हम बात करेंगे सिर्फ और अभी ओएसआई मॉडल के बारे में। तो ओएसआई मॉडल का जो आर्किटेक्चर है वो 7 लेयर आर्किटेक्चर, मतलब ये लेयर आर्किटेक्चर मॉडल है। लेयर आर्किटेक्चर मॉडल का मतलब है कि आपका डिवाइस नेटवर्क में कैसे कम्युनिकेशन करेगा, कैसे कंप्यूटर से डेटा निकलेगा, ये चीजों को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओएसआई मॉडल पढ़ते हैं, ठीक है। ओएसआई मॉडल को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो ओएसआई मॉडल को हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि दो कंप्यूटर नेटवर्क में कैसे बात कर रहे हैं, कैसे कंप्यूटर से डेटा निकल रहा है, उन डेटा के अंदर क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हमें ओएसआई मॉडल के अंदर सिखाया गया है।
पढ़ने को मिलता है, स्टडी करने को मिलता है, ताकि हम नेटवर्क को समझ पाएं। और बी ऑनेस्ट, अगर आपको वैसा मॉडल आपको अच्छे से अगर आ गया तो नेटवर्क में जो ट्रबल शूटिंग है ना वो इसी मॉडल के थ्रू ही होती है। अगर नेटवर्क में आपको कुछ इशू आएगा तो इस मॉडल की अगर अंडरस्टैंडिंग है तो यू कैन ट्रबल शूट वेरी इजिली। देखेंगे हम लोग आगे चल के चीज़ों को। तो आपका जो OSI मॉडल है ये कैसा है, आपका लेयर आर्किटेक्चर मॉडल, इट्स अ लेयर आर्किटेक्चर मॉडल। कितने लेयर होती है इसके अंदर, टोटल 7 लेयर्स होती हैं, टोटल 7 लेयर। कैसे होती है उसको अब लिखते हैं। चलो एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद है आपका प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद है हमारा सेशन लेयर, इसके बाद है नेटवर्क सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर, देन उसके बाद है हमारा नेटवर्क लेयर, उसके बाद है हमारा डेटा लिंक लेयर, एंड उसके बाद हमारा फिजिकल लेयर, राइट। ये आपकी क्या है, टोटल 7 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा एंड फिजिकल। और सीक्वेंसिंग ऐसे ही होती है इसकी, ठीक है। आप तीनों में से कोई है जो पहली बार इस चीज को पढ़ रहा है, एनीवन बताइए। सत्यम, गौरव, मतलब पहली बार पढ़ चुके हो, ठीक है, ओके। और तपन, आपसे पूछ रहा हूँ, पहली बार पढ़ रहा हूँ, पहले पढ़ चुके हो कभी? अच्छा मिला था, ठीक है। और सत्यम, आपको भी अलग से पूछना पड़ेगा, बताओ आप भी पढ़ा हुए, ठीक है, ओके। लेकिन आज जो ऐसे मॉडल मैं जैसे मैं पढ़ाऊंगा आने वाले एक दो दिन में, आपने वैसा कभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, अब उसी को देखते हैं। चलिए, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा फिजिकल, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर को हम लोग बोलते हैं लेयर 7, इसको हम लोग बोलते हैं लेयर 7, लेयर नंबर 7 है, ठीक है। ये आपकी लेयर नंबर 6 है, ये आपकी लेयर नंबर 4 है, सॉरी 5 नॉट 4, उसके बाद ये है लेयर नंबर 4, लेयर नंबर 4 नेटवर्क वाला होता है आपका लेयर नंबर 3, ठीक है। डेटा लिंक लेयर होता है आपका लेयर नंबर 2, और फिजिकल लेयर होता है आपका लेयर नंबर 1। देखो एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, उसको इससे रिलेट करोगे तो समझ में आएगा अच्छे से। आप ये लेयर, ये क्या है, ये टोटल आपकी 7 लेयर्स हैं, लेयर के नीचे वाली की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, कोई बात नहीं, टोटल 7 लेयर्स हैं। आप इनको 7 लेयर ना बोल के आप क्या बोलो, ये 7 क्या है, कवर है, इसको कवर से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ज़्यादा समझ पाओगे। देखो हम टेक्निकली जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं उसको कैसे बोलना वो मैं आगे सिखाऊंगा ही, लेकिन पहले हम लोग एक बच्चों की तरह सीखेंगे ताकि हम नेटवर्क को समझ पाएं अपनी भाषा में, ठीक है। क्योंकि नेटवर्क ना बहुत इजी है अगर आप उसके टर्म को अच्छे से समझ जाते हो तो, अगर नहीं समझते हो तो नेटवर्क बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आएगा। मैं अपना किस्सा बताता हूँ, जब मैं एज ए जॉब करता था, ठीक है, और मेरे को बहुत शौक था कि नेटवर्क सीखूंगा, ठीक है। तो मैं जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पे मैं एज ए सर्वर इंजीनियर काम करता था, हमारे साथ हम लोग 5 की टीम मेंबर थी, और उसी में हमारी टीम में एक बंदा था नेटवर्क का, वो स्पेशल नेटवर्क देखता था, फायरवॉल राउटर स्विच ये सब देखता था। तो मैंने कहा थोड़ा देखते हैं नेटवर्क कैसा होता है। तो क्या हुआ, जब वो बंदा आया हमारे कंपनी में, मतलब एक नेटवर्क का नया बंदा हायर हुआ, क्योंकि जो बंदा छोड़ गया था उसको, उसके बदले दूसरा रिप्लेसमेंट आया। तो क्या हुआ कि अब सर बैठ कर उसको डायग्राम समझा रहे थे, मतलब पूरा डायग्राम बनाइए, हमारा राउटर है, स्विच है, ये इस तरह कनेक्टिविटी है। जब मैं वहाँ पे बैठे, बस मैं बैठा, और बैठने के बाद क्या किया,
उसको सब सुन रहा था सर को, सर जो ड्रॉ कर रहे थे पेपर पे उसको समझा रहे थे, हालांकि उसको समझ में आ रहा था और मेरे तो ऊपर से निकल रहा था। मैंने कहा यार नेटवर्क तो बहुत हार्ड है यार, बहुत मुश्किल है, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं ये। मैं उठ के अपने चुपचाप अपने सीट पे जाके बैठ गया भाई, सर्वर ही पे ही थे हम लोग। लेकिन बी ऑनेस्ट, जब मैंने नेटवर्क को थोड़ा पढ़ना शुरू किया, चीज़ों को समझना शुरू कर दिया, नेटवर्क आज इतनी ईजी, मतलब मुझे लगा कि मैंने अपना सर्वर वाला जो बैकग्राउंड था वो छोड़ के मैं नेटवर्क में घुस गया। तो मतलब ये माइंडसेट के ऊपर गेम है, आप अगर इजीली लेके चलोगे तो इजी लगेगा, इजी तब लगेगा जब कंटिन्यूअसली मेरे साथ मेहनत करोगे। देखो मैं गारंटी इस चीज़ की दे सकता हूँ कि सीसीएनए करने के बाद अपने आप को ये कैपेबल हो जाओगे, कहीं पे भी आप काम कर पाओगे नेटवर्क के अंदर, गारंटी मैं ले सकता हूँ। लेकिन गारंटी मैं तभी लूंगा जब मेरे साथ में मेहनत करोगे, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल लैब बना बना के भेजूंगा, उसके ऊपर प्रैक्टिकल आपको टेस्ट करना है, मतलब जो प्रैक्टिकल मैं करूंगा वो प्रैक्टिकल लैब में आपके साथ शेयर करूंगा, फिर आपको घर पे प्रैक्टिकल करना है। आई विल शेयर द क्विज टू ऑल ऑफ यू। तो चीजें मेहनत करोगे तो अपने आप आएगा। अल्टरनेटिव डे क्लासेस इसलिए रखी है मैंने कि एक दिन पढ़ोगे दूसरे दिन आप रिविजन करोगे, तो साथ साथ ये चलते चलना है, क्योंकि अगर आपने जहां पे आपने एक दिन गैप कर दिया तो 2 दिन का लोड पड़ जाएगा। सर 2 दिन तक कर लूंगा, फिर 3 दिन का लोड पड़ जाएगा। फिर लोड बढ़ने के बाद क्या होता है पता है, बाद में फिर डिमोटिवेट हो जाता है, फिर लगता है नेटवर्क यार छोड़ो यार क्या, तो ये हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, साथ साथ चलते चलना है, ठीक है। चलिए बैक टू द पॉइंट, तो आपके पास क्या है, ये कवर लेयर्स नहीं, लेकिन उसको कवर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यार, जब आप लोग किसी अपने दोस्त को चिट्ठी लिखते हो, या आपके पास एक लेटर है, ये लेटर को आपको क्या करना है, पोस्ट करना है। और जब आपको लेटर को पोस्ट करना है तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर आपको एक एक कवर लगा दोगे, ऊपर से कवर एनवलप लगा दोगे, और इस एनवलप के अंदर क्या लिखोगे आप, टू एड्रेस एंड फ्रॉम एड्रेस, और उसके बाद उस लेटर को पोस्ट कर दोगे, और पोस्ट पर उठा के उसको ले जाएगा बटे पर। लेकिन जब नेटवर्क में जब हम डेटा सेंड करते हैं ना, तो आपके एक नहीं टोटल 7 कवर लगते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैं लेयर्स नहीं बोलूंगा, कवर बोलूंगा। तो आपका जब डेटा एक कंप्यूटर जब सेंड करता है नेटवर्क में, नॉट ओनली कंप्यूटर, एनी डिवाइस इन द नेटवर्क, जब वो डेटा को सेंड करता है तो वो उस डेटा के ऊपर टोटल 7 कवर लगाता है। लेकिन बात ये आती है कि क्या हर बार वो 7ों कवर लगाएगा, नहीं, डिपेंड करता है कि डेटा कैसे जनरेट हो रहा है, किसके थ्रू जनरेट हो रहा है। इसलिए कभी कभी आपको 3 कवर देखने को मिलेगा, कभी आपको 4 कवर देखने को मिलेगा, कभी आपको 2 कवर देखने को मिलेगा, 4 2, कभी आपको 7ों कवर देखने को मिलेंगे। लेकिन हर बार ऐसा होगा ऐसा नहीं, धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे, चीज़ों के बारे में अपने आप पता लगता चला जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ आपको एक दो दिन कंटिन्यूसली मुझे सुनते चलना है, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको ऑब्जर्व करना है, अपनी भाषा में बात करेंगे। जब इन चीज़ों को सुनते चले जाओगे, ऑब्जर्व करते चले जाओगे, ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, बार बार रिपीट होंगी, और धीरे धीरे अपने आप चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। बी ऑनेस्ट, अपने आप चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी आपको, ठीक है। तो क्या ही है, हमारे पास टोटल 7 कवर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन लेयर की, सबसे पहला लेयर। अच्छा, उससे पहले एक काम करते हैं, एक चीज और समझा देता हूं इसमें। देखो आपकी जो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, जो ऊपर से 3 जो लेयर्स हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं अपर लेयर, इसको बोलते हैं हम लोग अपर लेयर। ठीक है, और मैं स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे धीरे ही चलूंगा, मैं एक दिन में इतना नहीं पढ़ा दूंगा कि आप लोगों के मत मतलब तोते उसे उड़ने जरूर हो जाए या फिर कुछ समझ में ना आए, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, जब अपने आप लोगों की जो स्मरण शक्ति धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी, चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी, तब हम लोग चीज़ें ज़्यादा पढ़नी शुरू करेंगे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा 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 करके पढ़ाऊंगा चीज़ों को, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट सबके क्लियर हो, चीज़ें मिक्स ना हो। उसके बाद जो आपके नीचे के जो 3 लेयर्स है, नेटवर्क, डेटा एंड फिजिकल, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लेयर, दीज आर लोअर लेयर। और जो आपका
ये जो ट्रांसपोर्ट वाला विचार, ये जो ट्रांसपोर्ट है इसको हम लोग बोलते हैं हार्ट ऑफ ओएसआई। मतलब जो आपकी अपर लेयर और लोअर लेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन करवाता है ना, वो आपका ये ट्रांसपोर्ट लेयर है। ठीक है, इट्स अ हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। ठीक है, अच्छा, जो हमारी अपर लेयर होती है ना, अपर लेयर, इस पे आपके इन लेयर्स के ऊपर कौन काम करता है? जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर, जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं ना, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, वो इन लेयर्स के ऊपर काम करते हैं। तो एज अ नेटवर्क इंजीनियर हम इसके अंदर ज़्यादा नहीं घुसेंगे, जितना नेटवर्क प्रोस्पेक्टिव से हमें जानना जरूरी है हम उसको सब समझेंगे। ठीक है, हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल, अच्छा सॉरी, उसके बाद आपका आता ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। ये जो तीन लेयर देख रहे हो, ट्रांसपोर्ट यानी लेयर नंबर 4, लेयर नंबर 3, वाओ यहां पे लेयर नंबर 2 है ये, ठीक है। ये जो तीन लेयर हैं, 4, 3 एंड 2, इन लेयर्स के ऊपर हम नेटवर्क इंजीनियर्स काम करते हैं, यानी लेयर नंबर 4, लेयर नंबर 3 एंड लेयर नंबर 2, इन लेयर्स के ऊपर नेटवर्क इंजीनियर काम करते हैं। मतलब अगर इन लेयर में कुछ इशू आता है तो हमें ठीक करना है। ठीक है, फिजिकल लेयर के ऊपर आपके जो हार्डवेयर इंजीनियर होते हैं ना, वो काम करते हैं। हार्डवेयर इंजीनियर का मतलब जो रिपेयरिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, अभी समझेंगे आगे चल के इसको। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन लेयर के बारे में। एप्लीकेशन लेयर क्या है? देखो, यूजर डेटा जनरेट हेयर, जो यूजर का जो डेटा होता है ना, वो इसी लेयर पे जनरेट होता है। यूजर कौन? हम लोग, सेल्स के लोग, मार्केटिंग के लोग, जो बंदे सिस्टम पे काम कर रहे हैं वो यूजर है। तो यूजर क्या करेगा? डेटा जनरेट करेगा। और डेटा कौन सी लेयर पे जनरेट करेगा? एप्लीकेशन लेयर पे। जरूरी नहीं है कि हर बार आपका डेटा एप्लीकेशन लेयर पे ही जनरेट हो, जरूरी नहीं है कि डेटा आपका हर बार एप्लीकेशन लेयर पे ही जनरेट हो, बट अभी के लिए फिलहाल मान के चलो कि जो यूजर है वो डेटा जब जनरेट करेगा तो कौन सी लेयर पे जनरेट होगी? एप्लीकेशन लेयर पे जनरेट होगी। ठीक है, और दिस इज द लेयर, दिस लेयर विल इंटरैक्ट विद एप्लीकेशन, दिस लेयर विल इंटरैक्ट बिटवीन एप्लीकेशन एंड नेटवर्क। यानी जो आपका एप्लीकेशन लेयर, वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपकी एप्लीकेशन और नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए, इंटरेक्ट करवाने के लिए। मतलब अगर आपको नेटवर्क से इंटरेक्ट करना होगा तो आपको एप्लीकेशन लेयर हेल्प कराएगी। कैसे? समझते इस चीज को। देखो, अगर बताओ मुझे इस चीज को, अगर मुझे एक वेबसाइट एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा? को बताना चाहेगा, हाउ कैन आई एक्सेस अ वेबसाइट, मैं कैसे एक वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूँ, बताइए कुछ जितना आपको पता बताइए, बाकी तो मैं बताऊंगा ही। हाँ जी, इंटरनेट और कोई? ठीक है, URL एंटर करेंगे, इंटरनेट चाहिए होगा, और कुछ? हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि मुझे एक वेबसाइट एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा, मतलब कैसे करूंगा, हाउ कैन एक्सेस द वेबसाइट, मुझे वेबसाइट एक्सेस करना है कैसे करूंगा, मुझे फेसबुक एक्सेस करना है। ओके,
ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चाहिए होगा हमें एप्लीकेशन। ये सुन लो, इंटरनेट तो बाद की बात है, वो अभी आते हैं अपन। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि अगर मुझे किसी चीज को एक्सेस करना है तो वी नीड एन एप्लीकेशन। ये सुन लो, अगर आपको अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने के लिए व्हाट्सएप एप्लीकेशन चाहिए होगा। इंटरनेट तो बाद की बात है, राइट? ये सुनो, सो आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका इंटरेक्ट करवाता है किसके साथ? नेटवर्क के साथ। तो अगर मुझे कोई वेबसाइट एक्सेस करना है, वी नीड एन एप्लीकेशन। विच एप्लीकेशन वी नीड? वेब ब्राउजर। ये सुनो, क्या वेब ब्राउजर के बिना इंटरनेट है? मेरे पास इंटरनेट है, वेब ब्राउजर नहीं है, तो क्या मैं इंटरनेट एक्सेस कर पाऊंगा? वेबसाइट नहीं कर पाऊंगा ना। सो इफ यू नीड टू एनी एक्सेस योर वेबसाइट, तो वी नीड एन एप्लीकेशन कॉल्ड वेब ब्राउजर। तो मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए होगा, ठीक है? और जब मैं उस एप्लीकेशन को यूज करते हुए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे गया और मैंने यहां पे डाला www whatever, मैंने एक एड्रेस डाला और मैंने एंटर किया और मेरे पास क्या हुआ, एक खूबसूरत सा वेब पेज आ गया। तो मैंने क्या किया, एक वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट डाली। लेकिन वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए मैं क्या किया, मैंने एक वेब ब्राउजर ओपन किया, जिससे क्या किया, मैंने सिस्को के सर्वर के साथ कनेक्ट हुआ, नेटवर्क के साथ इंटरेक्ट हुआ। यस और नो? अच्छा, अगर आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करनी है तो मुझे क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन चाहिए होगा। कौन सी? कमांड प्रॉम्प्ट। यस और नो? तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं पिंग करूंगा, मेरे को रिप्लाई मिल रहा है, तो मैं नेटवर्क के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? सो इफ यू इंटरेक्ट विद द नेटवर्क, वी नीड एन एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन लेयर ही है जो आपकी एप्लीकेशन और नेटवर्क के साथ क्या करवा रही है, कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे जो आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, ये किस लेयर के थ्रू कर पा रहे हो? एप्लीकेशन लेयर के थ्रू, विद यूजिंग द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन लेयर आपका क्या करवाता है, आपका जो एप्लीकेशन है उसके बीच में और जो नेटवर्क है उसके बीच में क्या करवा रहा है, इंटरेक्ट करवा रहा है। तभी तो आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, तभी तो आप डेटा भेज पा रहे हो। समझ में आ रहा है गाइस सबको? हाँ जी। तो एप्लीकेशन लेयर बेसिकली क्या करवाता है, इंटरेक्ट करवाता है एप्लीकेशन के बीच में और नेटवर्क के बीच में, ठीक है? तो जो एप्लीकेशन लेयर है, जो हमारा एप्लीकेशन लेयर है, उसमें कुछ एप्लीकेशन होती हैं, जैसे वेब ब्राउजर, ठीक है? उसके बाद आपका ईमेल क्लाइंट, ईमेल क्लाइंट से मेल भेजने के लिए काम आता है ना, ईमेल क्लाइंट हो गया। देन उसके बाद सीएमडी, कमांड प्रॉम्प्ट, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा। क्या मैं नोटपैड को एज अ एप्लीकेशन लेयर बोल सकता हूँ? क्या ये एप्लीकेशन मेरी, जो मेरा एमएस पेंट है, नोटपैड को छोड़ दो, ये जो मैं पेंट जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, क्या ये एप्लीकेशन लेयर का एप्लीकेशन है? यस और नो? नो, क्योंकि एमएस पेंट का कोई काम है यहाँ पे एप्लीकेशन से, नेटवर्क से कम्युनिकेशन कराने का? क्या मैं एमएस पेंट से किसी नेटवर्क से कम्युनिकेशन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। सो इट इज़ नॉट एन एप्लीकेशन। एमएस वर्ड, इट इज़ नॉट एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, क्योंकि उसके अंदर कोई मैं उससे कोई नेटवर्क से कोई कनेक्ट डेटा लेता हूँ? नहीं लेता। लेकिन आजकल जो व्हाट्सएप, जो आपके वर्ड, एमएस वर्ड वगैरह है, उसके अंदर फीचर है, अगर आपको कोई इमेज अपलोड करनी है तो आपको इंटरनेट से करनी है या आपको लोकली सिस्टम से करना, आता है ना आपके पास आजकल के शायद एमएस वर्ड में आता है ये 16, 19 जो 20 वाले जितने भी आ रहे हैं हमारे पास एमएस वर्ड, उसके अंदर कोई इमेज अगर आप करोगे तो बोलेगा इमेज आपको कहाँ से चाहिए, आपके लोकल से चाहिए या आप इंटरनेट। तो आजकल के एप्लीकेशन जो है, बहुत से ऐसे एप्लीकेशन है जो कि नेटवर्क के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ, वेब ब्राउजर, ईमेल क्लाइंट, सीएमडी, कमांड प्रॉम्प्ट, हाँ, ये सारे क्या हमारे एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करने वाले एप्लीकेशन हैं। क्लियर हो रहा है सबको चीज़ें? यस और नो? ओके, अब ये चीज़ ध्यान रखना, जो हमारी एप्लीकेशन लेयर है ना, एप्लीकेशन लेयर पे क्या हो रहा है, डेटा जनरेट हो रहा है। एप्लीकेशन लेयर पे क्या हो रहा है, डेटा जनरेट हो रहा है। अब इस डेटा को जनरेट करने के लिए एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या है, कुछ सेट ऑफ रूल। चलिए एक चीज समझते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था कि आपके दोस्त को आपको लेटर पोस्ट करना है, तो जब आप लेटर को पोस्ट करते हो तो लेटर को लेकर जाने वाला कौन होता है, पोस्टमैन। जो डेटा को क्या कर रहा है, लेकर जा रहा है, आपके लेटर को लेकर जा रहा है, तो वो क्या हुआ, एक प्रोटोकॉल हुआ। इसी तरीके से जो आपने डेटा जनरेट करवाया, तो नेटवर्क में जो डेटा जनरेट हुआ उसको जनरेट कराने के लिए कोई ना कोई प्रोटोकॉल होगा। देखो लेटर को लिखता कौन है, हम लिखते हैं, हम लेटर को लिखेंगे तो हम एक प्रोटोकॉल हुए, लेकर जाने के लिए कोई दूसरा प्रोटोकॉल होगा, है ना?
रिसीव करने वाला बंदा दूसरा अलग प्रोटोकॉल होगा, मतलब हम दो बंदे हैं, दो भाई हैं, दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, तो मैं एक प्रोटोकॉल हूँ और वो सामने वाला प्रोटोकॉल है, तो आपस में दो इंसानी तो बात कर रहे हैं, तो ये दो सेम प्रोटोकॉल हो गए, लेकिन ले जाने के लिए कोई दूसरा प्रोटोकॉल हुआ। तो इसी तरीके से जो एप्लीकेशन लेयर पे जो डेटा जनरेट हो रहा है, उस डेटा को जनरेट करने के लिए भी क्या हो रहे हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल का मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके वजह से आपका डेटा जनरेट होगा, ठीक है। तो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं एप्लीकेशन लेयर पे, जैसे कि HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DNS, DHCP, ठीक है, POP, IMAP, SMTP, SNMP, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल, मैंने कुछ एग्जांपल लिए, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रोटोकॉल्स मैंने लिखवाए जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं रेगुलर इन अ प्रोडक्शन। तो ये वो प्रोटोकॉल हैं जो क्या करेगा, एप्लीकेशन लेयर पे डेटा जनरेट करेगा। डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज़ करो, देखो हर प्रोटोकॉल का अपना अपना यूज़ है। जैसे अगर आपको वेबसाइट का डेटा एक्सेस करना है, मतलब वेबसाइट का डेटा जनरेट करना है, तो HTTP और HTTPS ये दो प्रोटोकॉल है, ऊपर वाले दो। डेटा को नेटवर्क में सेंड करना है तो FTP है, कोई फाइल डाउनलोड करना है तो FTP है। हमें कोई अगर फाइल डाउनलोड करनी है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, FTP। SFTP भी आपका एक प्रोटोकॉल है जिससे आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, नेटवर्क पे डेटा अपलोड कर सकते हो सर्वर पे, तो SFTP भी एक प्रोटोकॉल है जो डेटा सेंड एंड रिसीव करने में काम आ रहा है। DNS एक प्रोटोकॉल है जो कि आपके नाम को IP में, IP को नाम में कन्वर्ट कर रहा है। DHCP एक अलग प्रोटोकॉल है। तो देखो हर प्रोटोकॉल का अपना अपना काम है। आप नेटवर्क में किसी को मेल भेजते हो तो उसके लिए SMTP प्रोटोकॉल यूज होता है, कहीं से आपके पास मेल आ रही है तो उसके पास POP या तो IMAP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल का डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन एप्लीकेशन लेयर की वो प्रोटोकॉल्स मैंने आपके सामने लिखा। तो आप जब भी कोई यूजर डेटा जनरेट करेगा वो इन्हीं प्रोटोकॉल को यूज करते हुए डेटा को जनरेट करेगा। डिपेंड करता है कि वो डेटा का टाइप कैसा है, वेब का डेटा है, FTP का डेटा है, मेल है, क्या है, व्हाटएवर। समझ में सबको आ रहा है ना, कोई ऐसा तो नहीं कि जो किसी के ऊपर से निकल रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना सबको, हाँ बिल्कुल, आगे समझेंगे हम डेफिनेटली। अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ चीज़ों को, सब समझो, अभी मैं कहानियाँ समझा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं HTTP सुना ही होगा, ये सुन लो, सुना है ना। तो अभी हम आएंगे, इसको कॉन्फिगर करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करेंगे, बार 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 प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हमारे नेटवर्क में एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ये प्रोटोकॉल्स हैं जो काम करते हैं डेटा को जनरेट करने के लिए, ठीक है। डेटा को जनरेट करने के लिए आपके डिफरेंट, अच्छा एक और कुछ और प्रोटोकॉल्स भी लिखवा देता हूँ यहाँ पे, एक दो प्रोटोकॉल और याद आ गया मुझे, टेलनेट, SSH, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, जो एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। आपको इतना भी याद रखना है, सिर्फ अभी आपको यही याद रखना है, ये एप्लीकेशन लेयर के डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो अलग अलग टाइप का डेटा जनरेट कराते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन लेयर पे अब मान के चलो कि एक यूज़र ने क्या किया, डेटा जनरेट किया, www.google.com टाइप किया, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा, या तो HTTP होता है या तो HTTPS होगा, हो जाएगा ना। अब वेबसाइट में जब लिखते हो आप, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मैंने cisco.com लिखा था, क्या मैंने HTTPS डाला था, नहीं डाला था, ये अपने आप आ गया, ये अपने आप आ गया, मैंने नहीं दिया। तो जिस बंदे ने इस क्रोम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया है उसने बोला है ये चीज़ कि कोई बंदा अगर www या cisco.com कोई .com जैसे वेबसाइट खोलेगा ना, अपने आप में HTTP या तो HTTPS अपने आप लगा दूंगा। ये चीज़ किसने डिसाइड किया, जिस बंदे ने इस एप्लीकेशन को बनाया, जिस सॉफ्टवेयर डेवलपर ने इस क्रोम को बनाया, इस ब्राउजर को बनाया, उसने ये चीज़ डिसाइड किया। वी आर नॉट डिसाइड, मैंने नहीं बोला कि HTTPS लगाना, अपने आप लग गया, ये पहले से प्री डिफाइंड है, आप नहीं कर रहे हो यहाँ पे कुछ। समझ में आ रहा है ना, एप्लीकेशन लेयर पे जो डेटा जनरेट हो रहा है वेब का डेटा जनरेट हो रहा है, तो वेब के लिए दो प्रोटोकॉल हैं HTTP और HTTPS, और ये कौन डिफाइन करता है कि HTTP लगेगा, ये आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर लगाता है, ठीक है। कहीं पे भी आप facebook.com खोलो तो अब यहाँ पे HTTPS अपने आप लगा हुआ आ जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, हर प्रोटोकॉल का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एप्लीकेशन लेयर के सारे प्रोटोकॉल्स हैं। कोई डाउट यहाँ पे किसी को, एनीवन, ठीक है। बाकी के जो लेयर्स हैं जैसे प्रेजेंटेशन लेयर, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।
प्रेजेंटेशन लेयर, क्योंकि अभी ये थोड़े से लेंथी हो जाएंगे प्रेजेंटेशन सेशन, ठीक है, ट्रांसफर, तो एक दो दिन आपका चलेगा ये क्लास, ठीक। लेकिन आज की क्लास में अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ सुझाव है, तो आप बोल सकते हो। नाउ टाइम्स योर्स।